बेसिकली कौन सा प्रोग्राम है और इसके थ्रू ये कैसे वर्क करता है और हम इसके थ्रू जो है वो कैसे जो है वो मींस के इस ब्रांड हिस्ट्री वाले प्रोसेस को जो है वो कैसे वो जो 9-10 महीने प्रोसेस है सही है उसको हम कैसे जो है वो विद इन 10 to 15 days में क्या कर सकते हैं डिक्रीज कर सकते होते हैं। ठीक है। अच्छा आप जो है वो मीन्स के इधर जो है वो आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट्स और एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स को जानने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, वो इतना कोई खास नहीं होता। तो इसमें जो है वो अब नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा यहाँ तक जो है वो इस पोर्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएंगे सही है, अदरवाइज फिर जो है वो हम अमेजोन PPC जो है वो स्टार्ट करते हैं आज। जी कोई बंदा जिसको ऊपर वाला समझ नहीं लगी हो, मीन्स उसने क्लास ली हुई हो और उसको समझ नहीं लगी हो तब मुझे बताएंगे। अब जो आया ही नहीं है स्ट्रेस से, ठीक है उसको तो नहीं समझ आने वाली। अच्छा ये मीन्स के जो है वो इसमें क्या होता है कि लाइक अब बेसिकली जो भी आपने गुड्स जो है अमेजोन को भेज रखी होती है सही है उससे रिलेटेड के कौन सी जो है वो इन्वेंट्री किस एसन के ऊपर कैसा परफॉर्म कर रही है सही है, और जो है वो इसके अंदर जो है वो आप ये देखते हैं कि अमेज़ॉन आपको जो है वो कितनी फीस जो है वो एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस होती है वो कितनी चार्ज कर रहा है सही है, और इस तरीके के डिफरेंट मतलब टैब्स देता है अमेज़ॉन आपको कि मीन्स कि जो है वो थ्रू द लास्ट 7 days क्या इन्वेंट्री ने परफॉर्म किया, 15 days में क्या परफॉर्म किया, फिर 30 days में क्या परफॉर्म किया। ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो रिकमेंडेड इन्वेंट्री इस एसन के लिए कितनी है सही है और फलाने एसन के लिए कितनी है। ठीक है। इस तरीके की ये जो सारी बातें होती है ना सही है ये आती होती हैं आपकी इसी इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के अंदर जो अमेजोन आपको बताता है। जी जी और किसी का कोई क्वेश्चन? सही है। अच्छा चलें जी अब जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं अमेजोन PPC को। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होती है आपकी एक टर्म की जो है वो आपके लेके प्रमोशनल कैंपेन होती है जिसको जो है वो हम अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो यूज़ किया करते होते हैं सही है। इसका PPC स्टैंड फॉर पे पर क्लिक कैंपेन, मीन्स के आप इसके ऊपर जो है वो हर एक क्लिक के ऊपर जो है वो आप अमेज़ॉन को पे कर रहे होते हैं, और वो जो क्लिक होता है वो बेसिकली किस बेस के ऊपर होता है, वो होता है आपका कीवर्ड की बेस के ऊपर सही है। मीन्स के जो है वो आप यहाँ पर पे पर क्लिक कैंपेन के अंदर हर कीवर्ड के अगेंस्ट हर एक क्लिक के ऊपर जो है वो अमेज़ॉन को पे करते हैं सही है, और मीन्स के उसके अंदर फिर क्या होता है कि डिफरेंट एक बिडिंग का जो है वो सिस्टम होता होता है सही है। मीन्स आप बताते हैं कि अच्छा इस कीवर्ड के ऊपर मैं $1 देने को तैयार हूँ, हर क्लिक के ऊपर जितने भी क्लिक चाहिए मैं $1 आपको देता जाऊँगा सही है, और एक कोई और बंदा वो कहता है कि मैं $1.2 देने को तैयार हूँ, फिर नेक्स्ट बंदा जो है वो आता है वो कहता है कि नहीं मैं 1.4 एंड सीके से मीन्स के जो है वो ये जो है वो चलता जाता है सही है। अच्छा फिर जो आता है इसमें अब ज़्यादातर जो है वो इसमें किसी वक्त ये था कि रैंकिंग प्रॉस्पेक्ट्स के लिहाज से अमेज़ॉन जो है वो आपका 17% जो है वो वेटेज देता था PPC को, मीन्स कि अगर अब ये देखें कि अगर हमने 100 points पूरे करने हैं रैंकिंग किसी भी कीवर्ड के रैंकिंग प्रॉस्पेक्ट के लिहाज से कि मीन्स कि किसी कीवर्ड को रैंक करना है और उसके लिए उसके 100 points हमें कलेक्ट करने हैं तो वो 17 जो पॉइंट है वो बेसिकली PPC के पास है, मीन्स के अगर आपकी जो है वो PPC से उस कीवर्ड के ऊपर कन्वर्जन है तो फ्लैट 17 points जो है वो आ गए आपके पास, एंड बाकी की जो है वो कुछ एक्सटर्नल ट्रैफिक के कुछ जो है वो आपके मीन्स के जो है वो कुछ लोग सुपर URL बना के टाइप करते थे, फिर कुछ SFB के होते हैं, SFB स्टैंड फॉर होता है सर्च फाउंड एंड बाय
सही है, मीन्स आप कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं और उसको जो है वो अमेजोन के ऊपर जो है वो सर्च करते हैं, देन फिर फाइंड करने के बाद जो आप बाय करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि SFB है ये। सही है। अच्छा, अब जो है वो मीन्स कि जो है वो अमेजोन ने जो है वो टाइम के ऊपर इतना ज़्यादा हाई वेटेज दिया हुआ था PPC को, कि मीन्स कि 17 पॉइंट इसके पास थे, बट जो कि बाद में अभी डिक्रीज हो गए, बट अभी स्टिल जो है वो ये एक पावरफुल आप यूं कहें कि कैंपेन होती है अमेजोन के ऊपर, जिसको क्रिएट करके आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट फ्रॉम डे वन जो है वो स्पॉट वन के ऊपर जो है वो आप शो करवा सकते होते हैं। सही है, जिससे क्या होता है कि मीन्स कि अगर आपकी लिस्टिंग वेल ऑप्टिमाइज्ड है, इमेजेस जो है वो अच्छी हैं, ठीक है, तो आपके जो सेल्स चांसेस, कन्वर्जन के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। मीन्स इन शॉर्ट ये है कि मीन्स आपके पास आप आए हैं अमेजोन के ऊपर, आप और PPC कैंपेन जो है वो बेसिकली एक वो टूल है जो कि आपको पेज वन के ऊपर जो है वो लाने में क्या कर देता है, आपकी मदद करता है। ठीक है, तो अभी जो है वो हम इसको देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पर इसमें और ऑर्गेनिक रैंक में जो है वो क्या होता है, क्या फर्क होता होता है। ठीक है, हम जो है वो टाइप करते हैं amazon.com। ठीक है, तो ये आ गई। अब उसी तरीके से जो है वो हम क्या करते हैं, हमारी जो प्रोडक्ट है गार्लिक प्रेस, ठीक है, इसको जो है वो हम ओपन करते हैं और जो है वो इसको देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो PPC वाले लोग कौन से आ रहे हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक रैंक बेसिकली इसमें क्या होता है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप की जो स्पॉन्सर्ड टर्म्स के वो बेसिकली आपकी क्या होती है। ठीक है, अच्छा, अब जिस तरीके से मैंने ये देखे गार्लिक प्रेस टाइप किया है, ठीक है, और इसने मुझे जो है वो ये वाला जो ये शायद मेरे ख्याल में हम पहले भी हम लोग जो है वो ये पढ़ चुके हुए हैं। सही है, इसने जो है वो ये वाला एक मुझे एक पोर्शन दे दिया होगा। ठीक है, आप यूं समझ लें कि जो है वो ठीक है ये वाला, और आप इसके जो है वो इधर ये देखें, ये आपके पास क्या आ रहा है, स्पॉन्सर्ड जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो मींस क्या हुआ कि ये जो सारा पोर्शन है ये वाला, ये आपका क्या है बेसिकली ये स्पॉन्सर्ड में आता है, मींस के ये आपका एक टाइप की जो है वो PPC, आप इसको समझ लें कि एक PPC का जो है वो ये एक रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा चले, उसके बाद जो है वो अभी हम जो है वो आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा अभी जो है वो यहाँ पर आपको ये नजर आएंगे। ठीक है, ये देखें, ये जो फर्स्ट रो है यहाँ पर, ठीक है, इनके साथ आप ऊपर करके देखेंगे, ये देखें, अच्छा जी, अरे देखें, यू आर सीइंग दिस एड बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स रेलिवेंस टू योर सर्च क्यूरी। ठीक है, मीन्स के वो मैं कह रहा है कि आपको ये एड बेसिकली इस वजह से दिखाया जा रहा है, ये समझ लें कि आपके पास एक ऐड शो हो रहा है यहाँ पर। सही है, और ये एड आपको इस वजह से दिखाया जा रहा है क्योंकि आपकी आपने जो टाइप किया है, ठीक है, वो हमारे एल्गोरिदम समझते हैं कि इससे क्या है, रिलेवेंट है। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया है, आपको जो है वो ये बेसिकली एड शो करवा दिया हो। वैसे ही है, पे पर क्लिक कैंपेन हो, वो बेसिकली सिंपल क्या है, आपकी एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, मींस के आप यूँ समझ लें कि हम जो होती है नॉर्मल लाइफ में, हमने जब एडवर्टाइजिंग करनी हो, आप देखते हैं कि बिलबोर्ड्स लगे होते हैं। सही है, अभी जिस तरीके से जो लोग भागलपुर में रहते हैं, इन लोगों को पता ही होगा कि जिस तरीके से चेज जो है वो ओपन हुआ है, तो उन्होंने सारे पूरे भागलपुर के अंदर जो है वो सारे हर जगह पर उन्होंने अपने जो है वो बैनर्स लगाए हुए हैं। सही है, तो मीन्स उन्होंने एक किस्म की ये एडवर्टाइजिंग कर रखी है ना। सही है, तो एडवर्टाइजिंग की फिर क्या होती है, डिफरेंट जो है वो टाइप्स होती हैं। सही है, रियल टाइम आपका बिजनेस है, मीन्स के एक फिजिकल स्टोर है आपका, तो फिर आप उस टाइप में जो है वो उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं, वाउचर वगैरह और ये समथिंग लाइक इस तरीके से जो है वो पॉम्फलेट वगैरह वो बना के जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। ठीक है, और अगर आपका जो है वो ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप इस तरीके से उसकी एडवर्टाइजिंग करवाते हैं, जिसको सॉफ्ट एडवर्टाइजिंग बोला करते होते हैं। सही है,
और ये इसमें जो है वो आप इसके डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, सही है। अब अमेजोन सेलर्स के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं? एक आपका गूगल एडवर्ड हो सकता है, सही है। गूगल एडवर्ड में जो है वो आप, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये टाइप करता हूँ, लाइक कुछ भी टाइप करता हूँ, इस तरीके से जो है वो हीलियम टाइप कर देते हैं यहाँ पर, सही है। अब आप यहाँ देखिए ये आ रहा है, ये देखिए एड, सही है, और देन उसके बाद ये, तो ये एंड सेम नीचे वो वेबसाइट भी आ रही है दूसरी वाली, सही है। तो अब बेसिकली यहाँ पर ये क्या चल रहा है, इन्होंने एडवर्ड चलाया हुआ है, सही है, गूगल का एडवर्ड, सही है। अब ये जो है वो इन्होंने, क्योंकि इन्होंने सोचा कि हमें गूगल की ट्रैफिक भी लेनी चाहिए, सही है, तो इन्होंने गूगल क्या ऑफर करता है बेसिकली आपको, वो करता है गूगल एडवर्ड होता है, सही है। तो एडवर्ड के अंदर क्या होता है कि उन्होंने फिर अपने एड चलाने शुरू कर दिए। अब जो भी जो है वो इलेवन टाइप करता है वो उसके एड जो है वो उनके ऊपर टॉप ऑफ द लाइन शुरू शुरू हो जाता है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो इनके एडवर्ट को जो इन्होंने पैसे दिए होंगे वो कट जाएंगे, सही। अगर इधर से जाएंगे तो कोई पैसे नहीं जाएंगे, सही। अच्छा जी, ठीक है। तो अब हमारे पास, हमें बेसिकली ये पता चल गया कि यहाँ पर जो, अगर मीन्स के आपके पास, आपने कोई न्यू प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है, और अभी उसकी इतनी सेल्स वेलोसिटी नहीं है, तो अमेजोन जो है वो बेसिकली क्या करता है, अमेजोन चांस देता है न्यू सेलर्स को भी कि वो अपनी जो प्रोडक्ट है वो टॉप ऑफ द रिजल्ट्स में जो है वो शो करवा सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए क्या होगा कि वही जो है वो क्या करनी पड़ेगी उनको, ये कैंपेन चलानी पड़ेगी इस तरीके से, पीपीसी वाली। और पीपीसी कैंपेन का बेसिकली क्या होता है कि मीन जिसमें जो है वो आपको पे पर क्लिक, मीन्स कि हर जो क्लिक होता है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। अब वो जो है वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है, जो भी आप अमेजोन को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल। अच्छा, सजेस्टेड बिड जो है वो यहाँ पर भी, यहाँ पर जो है वो एक बिडिंग सिस्टम होता है, सही है, जिस तरीके से आपने मीन्स के किसी को कोई इत्तेफाक हुआ हो जो है वो, ये जहाँ पर नीलामी जो है वो हो रही होती है, ठीक है, ऑक्शन हाउसेस के अंदर, सही है। तो वहाँ पर आप जाकर देखते हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि अपनी अपनी जो है वो जो कोटेशन है वो बेसिकली फाइल करते हैं, के लिए लाइक जो है वो एक जो प्रोडक्ट है वो 101 रुपीज़ की है, तो एक बंदा कहता है कि मैं 110 दे दूंगा, दूसरा कहता है कि मैं 120 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो जो मतलब उसको हाईएस्ट पे करता है वो क्या कर जाता है, वो जो है वो प्रोडक्ट विन कर जाता है, सही है। और उसको क्या किया जाता है, वही चीज़ क्या कर दी जाती है, दे दी जाती है, सही है। तो सेम सिस्टम आपका यहाँ पर यही होता है। अब यहाँ पर जो है वो लड़ाई होती है बेसिकली, जो ऑक्शन होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होता, वो होता है बेसिकली उस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। ये अब ये देखें जिस तरीके से ये टॉप ऑफ द लोग आए हुए हैं, सही है। अब इसमें जो है वो, इसको अमेजोन ने फर्स्ट पे जो है वो शो कराया, इसको सेकंड पे, इसको थर्ड पे, एंड देन इसको जो है वो फोर्थ पे। अच्छा, अब जो है वो ये जो इनकी पोजीशनिंग है, इसकी जो है वो एक इसकी इस तरीके की इनकी रैंकिंग की वो डिफरेंट जो है वो वजूहत हो सकती है, सही है। वो वजूहत भी हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से हमने देखा था कि बाय बॉक्स जो रोटेट करता कर रहा था वो जो है वो डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर रोटेट करता था, इसी तरीके से यहाँ पर इसमें भी ऐसे ही है, सही है। सबसे पहले तो जो है वो यहाँ पर अमेजोन जो है वो ले के आता है, वो आता है आपका कि सबसे ज़्यादा जो है वो बिड कौन दे रहा है, मींस के जो है वो इन जितने भी लोग इस कीवर्ड के ऊपर लाइन में लगे हुए हैं, सही है, जो कि अपनी अपनी कोटेशंस जो है वो अमेजोन को दे रहे हैं। एक बंदा कह रहा है कि अच्छा मैं जो है वो $1 दे दूंगा, दूसरे ने कहा कि 1.5, $2, 2.5, $3, सही है। तो इसमें जो है वो जो भी बंदा सबसे ज़्यादा पैसे देगा, सही है, उसकी अब जो है वो सेकंड हाईएस्ट बिडर जो है वो बेसिकली क्या कर दिया था, यहाँ पर विन कर जाता है, सही है। अब सेकंड हाईएस्ट बिडर जो है वो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लें ज़रा। अब जो है वो इस पे फॉर एग्जांपल जो है वो जब इस कीवर्ड के ऊपर ऑक्शन चला, सही है, तो ऑक्शन में बेसिकली यूं हुआ कि ऑक्शन स्टार्ट हुआ $1 से, सही है। तो किसी ने कह दिया कि मैं $1 जी मैं देने को तैयार हूँ, सही है। तो अब जो है वो अमेजोन नेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर एक जो है वो
कंडीशन इम्प्लीमेंट करेगा 1.1 डॉलर की, सही है, और वो पूछेगा कि क्या कोई 1.1 डॉलर देने को तैयार है इस कीवर्ड के ऊपर। मैं उसको जो है वो इसके ऊपर शो करवा देता हूँ, सही है। तो अब एक सेलर और निया आया, सही है, उसने कहा जी यस मैं 1.1 डॉलर देने को तैयार हूँ इस कीवर्ड के ऊपर, आप मुझे टॉप ऑफ द स्पॉट अबव मुझे देंगे आप। तो उसने कहा चले जी सही है, हमने आपको आपसे जो है 1.1 डॉलर जो है वो चार्ज करना है और ये स्पॉट आपकी हो गई, सही है। उससे वो स्पॉट उसको देने के बाद अमेज़ॉन अगेन जो है वो एक और जो है वो बिड वो जो है वो लाइव करेगा, ठीक है, और उसमें जो है वो ये बेसिकली ये कहा जाएगा कि आपको जो है वो हम जो है वो इसकी बिड जो है 1.2 है, सही है, क्या 1.2 को देने के लिए तैयार है, हम इससे भी जो है वो उसको क्या कर देते हैं ऊपर शो करवा देंगे, कि मीन्स अब ये बेसिकली जो है वो इस पोजीशन की बिडिंग हो रही होगी, ठीक है। तो इसमें जो है वो इसने कहा होगा कि जी मैं आपको 1.2 देने को तैयार हूँ, इन्होंने कहा ठीक है ये पोजीशन आपकी हुई, सही है, और अगेन अमेजोन इस तरीके से फिर चल पड़ा कि 1.3 को देने को तैयार है, सही है। तो अच्छा अब इसने कहा जी यस मैं जो है वो 1.3 देने को तैयार हूँ, अब मुझे जो है वो आप यहाँ पर शो करवा देंगे, सही है। तो अच्छा फिर अमेजोन ने कहा ठीक है जी ये स्पॉट जो है वो आपकी हो गई, उसने जो है वो इसको मीन्स के जो इन्होंने कोट किया हुआ है 1.3, सही है, इसके ऊपर फिक्स करके अगेन चल पड़े एक और की तरफ 1.4 की तरफ, सही है। तो अब जो है वो इन्होंने कहा जी अमेज़ॉन ने अगेन जो है वो उस पोजीशन को जो है वो लाइव किया और कहा कि जी 1.4 को ही देने को तैयार है। तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जिसने कहा होगा कि मैं 1.4 दे दूंगा, सही है। तो फिर क्या हुआ इस केस में जो है वो सेकंड हाईएस्ट बिड क्या हुई, 1.4 से नीचे क्या हुई, 1.3 हुई ना, ठीक है, और 1.3 क्या की हुई थी इसने, ऑलरेडी प्रॉमिस की हुई थी अमेज़ॉन को। तो इस केस में क्या हुआ कि ये जो सेलर है वो बेसिकली क्या करेगा इस सिस्टम के ऊपर जो है वो उस ऑक्शन को क्या कर जाएगा, विन कर जाएगा, और इसकी जो प्रोडक्ट है वो टॉप ऑफ द रिजल्ट में जो है वो फर्स्ट स्पॉट के ऊपर जो है वो अमेज़ॉन क्या करेगा शो करवा देगा आपको। ये जो सेकंड हाईएस्ट बिड वाला सीन है ये समझ लगे सब लोगों को? अच्छा अब जो है वो ये क्वेश्चन किया जाता है जी, बिल्कुल ऐसा ही है, अमेज़ॉन जो है वो आप यूँ समझ ले कि बोलियाँ ही लगाता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन किया जाता है कि मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट है या कोई किसी आपका जो एसन है, ठीक है, ये किस बेस के ऊपर जो है वो ऑक्शन विन करता है अमेज़ॉन के अंदर, सही है। तो इसका जवाब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता होता, ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बनता है वो आप जरा सुन लें, सही है। पहले जो इसका आंसर होगा वो इन द फॉर्म ऑफ टाइटल ये होगा, आप उसको ये बताएंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर जो सेकंड हाईएस्ट बिडर होता है, सही है, वो क्या कर जाता है, वो उस प्लेस को क्या कर जाता है, विन कर जाता है, सही है। और इस सेकंड हाईएस्ट बिडर वाली कहानी क्या है, वो ये है कि इस पोजीशन स्पेसिफिक इस पोजीशन के ऊपर अमेज़ॉन ने क्या कहा इन सब सेलर्स जो भी पीपीसी कैंपेन चला रहे थे, तो ये उनको कहा कि जी इसकी जो इस पोजीशन की जो वर्थ है बेसिकली, सही है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट, सही है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट इस पोजीशन की जो वर्थ है, सही है, वो है 1 डॉलर। तो क्या आप में से कोई 1 डॉलर देने को तैयार है? फॉर एग्जाम्पल ये इस प्रोडक्ट के पीछे जो सेलर था वो आया और उसने कहा जी ठीक है मैं आपको 1 डॉलर दे दूंगा। अमेज़ॉन ने कहा ठीक है जी ये जो पोजीशन है वो बेसिकली आपकी हुई, ठीक है, और उसने जो है वो इसको देने के बाद जब जिस तरीके से आप ये देखते हैं कि जब बोलियां लग रही होती हैं, ठीक है, तो उसमें यूं नहीं होता होता कि बस जो है वो एक बंदे ने कह दिया कि जी मैं 1.10 देने को तैयार हूँ या इस तरीके से, तो जी वो उसकी की हो गई 1.10, उसका रिजर्व कर लिया जाता है, सही है, और देन उसके बाद अगेन भी जो है चेक किया जाता है कि क्या कोई 1.10 के ऊपर कोई 1.20 वाला भी है, ठीक है, तो अगर कोई होता है, सही है, तो वो चीज़ उसको साइन कर दी जाती है फिर, सही है। तो सेम सीन आपका यहाँ पर चल रहा होता है, ठीक
ठीक है, कि अमेजोन जो है वो इससे प्रॉमिस करने के बाद कि 1 पॉइंट जो है वो $1 के ऊपर जो है वो हम आपको शो करवाएंगे, बट अभी ठहर जाएं, हम जो है वो देख लेते हैं इससे ज़्यादा भी कोई क्या शायद शायद कोई इससे ज़्यादा भी पे करने वाला हो, तो देन डेफिनेटली फिर तो उसी का हक है ना इस स्पॉट के ऊपर। अब वो कहता है कि क्या 1.2 मुझे कोई इस स्पॉट के लिए देगा? ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से जो है वो लेट्स सपोज अगेन यही सेलर आया था, तो इसने कहा जी जी यस मैं आपको जो है वो 1.2 दे दूंगा। ठीक है, अच्छा, अमेजोन ने कहा चलें सही है, 1.2 जो के लिए मैंने आपको जो है वो नोट कर लिया हुआ है, बट अगेन मुझे जो है वो चेक करने दे, कोई और भी जो है वो देने के तैयार है? अमेजोन ने कहा जी 1.3 जो है वो मीन्स के इस स्पॉट की जो वैल्यू है वो $1.3 है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट पर क्लिक के ऊपर, क्या कोई ऐसा देने मुझे देने को तैयार है? मीन्स कि मैं इसकी जब भी कोई बंदा ये कीवर्ड टाइप करे सही है और मैं इसको इस पोजीशन पे शो करवा दूं सही है, और जब भी अगर कोई वो कस्टमर क्लिक करेगा तो वो मुझे $1.3 देगा सही है, तो क्या ऐसा है कोई बंदा तैयार इस सारे सीन में सही है? इसने कहा जी ठीक है मैं तैयार हूँ, कि जब भी जो है वो आप मुझे क्या करें, जब भी कोई बंदा ये वाली सर्च क्यूरी जो है वो टाइप करे सही है, आप मुझे इस पोजीशन पे दिखा दीजिएगा, तो अगर जो है वो क्लिक आ गया, किसी कस्टमर ने क्लिक कर लिया, तो मैं जो है वो आपको $1.3 जो है वो दे दूंगा सही है। अमेजोन ने कहा चले जी ठीक है, आपकी भी जो है वो हमने जो बात थी वो अपने पास नोट कर ली हुई है, बट हम आगे भी अगेन और जाते हैं सही है। अब उसके बाद जो है वो अमेजोन ने एक और जो है वो ऑक्शन लाइव किया, ठीक है, उसमें ये था कि क्या $1.4 कोई देने को तैयार है अगर गार्लिक प्रेस के ऊपर उसको जो है वो टॉप के लिए शो करवा दिया जाए, कि क्या किसी कोई $1.4 दे सकता है इस पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन के लिए सही है? तो अब जो है वो कोई भी बंदा आगे नहीं आया, अब हर बंदे की जो है वो अपनी अपनी वो होती है, मीन्स के जो है वो हर किसी ने अपना अपना एक एस्टिमेट किया होता है कि अच्छा मुझे जो है वो इस कीवर्ड के अगेंस्ट इतना स्पेंड करना है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट इतना स्पेंड करना है। ठीक है, तो अब जो है वो मे भी हो सकता है कि बाकी सबका जो बजट था वो इस कीवर्ड के लिए 1.3 से कम ही था, एक ही बंदा था जिसका 1.3 था सही है, तो अब जो है वो इससे ऊपर देने को कोई भी तैयार नहीं है। तो अब जो है वो जो हाईएस्ट बिड थी इसकी वो क्या थी, अमेजोन ने क्या सेट की हुई थी? 1.4 सेट की हुई थी ना सही है, और इसने जो है वो ये जो पोजीशन विन की थी वो किसके ऊपर की थी? 1.3 के ऊपर की थी, ऐसे ही है सही है। अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट बिड थी 1.4 और सेकंड हाईएस्ट बिड क्या बनी? 1.3 सही है। तो अब जो है वो यहीं पर आके इस बात का आंसर निकलता है कि अमेजोन के ऊपर बेसिकली जो पोजीशंस विन होती हैं वो किस बिड के ऊपर विन होती है? वो सेकंड हाईएस्ट बिड के ऊपर जो है वो क्या होती है, अमेजोन के ऊपर जो है वो कोई भी एसन क्या करता है, जाके पोजीशन को विन करता है, एंड देन जो है वो अमेजोन क्या करता है उसको टॉप पोजिशन में जो है सही वो है। जो पे शो पर करवाता है। क्लिक है तो जो लोग इसे क्लिक करेंगे, सिर्फ चेक करेंगे, तो वो उस पे पे करेंगे या फिर ऑर्डर करने के बाद वो उसको देगा नहीं, पेमेंट? अच्छा ये जो है जी बिल्कुल, अगर फॉर एग्जांपल ये हमें पैसे नहीं कोई देने पड़े, ये जिसने कैंपेन चलाई हुई सेलर ने वो उसने जो है वो चलाई हुई है, अब फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया हुआ है ठीक है, तो इस वक्त जो है वो इसने अमेजोन को जो भी कहा हुआ था कि मैं आपको जो है वो इस क्लिक के लिए इतना कुछ देने को तैयार हूँ, तो इस वक्त फॉर नाउ ही हैज बिन चार्ज्ड, उसको जो है वो पैसे अब चार्ज कर लिए गए हुए हैं, अब उसको बिकॉज ये क्लिक आ गया हुआ है ठीक है, अब जो है वो सेल हो या ना हो इससे अमेजोन का कोई लेना देना नहीं है ठीक है। अमेजोन ने जो है वो आपको गारंटी दी थी कि कस्टमर की और क्लिक की ठीक है, और आप बेसिकली इस टर्म के ऊपर जो है वो एग्री हुए थे कि यस कि आप जो है वो मुझे क्या करें, आप कस्टमर ला दें, मैं आपको जो है वो बस वो क्लिक कर ले मेरी प्रोडक्ट के ऊपर और अंदर लैंड कराए सही है, तो मैं आपको जो है वो क्या करूँगा, मैं पे कर दूंगा क्लिक करने के सही है, ओनली इम्प्रेशन के नहीं सही है, वो मतलब वो माउस ऊपर लेके आ जाए इसके नहीं, वो क्लिक करके अंदर आ जाए सही है। तो अब हम इस वक्त जो है वो क्लिक करके उसकी प्रोडक्ट के अंदर पहुंच चुके हुए हैं, तो इस वक्त इसने जो भी उसको अमेजोन को कहा हुआ था तो वो अब उसने उसको अमेजोन ने क्या कर लिया हुआ है, चार्ज कर लिया हुआ है। अब वो बंदा जो है वो अगर हम इससे परचेज करें या ना करें, मीन्स कि अब वो जो आपने क्लिक करवाया वो सेल्स में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ वो एक अब अलग सी बात है ठीक है।
बट इस वक्त जो है वो क्या कि अमेजोन ने इसको जो है वो चार्ज कर लिया होगा, जो भी इसने इसके ऊपर बिड जो है वो की हुई थी। सही है, समझ लगी है यहाँ तक? किसी को जो है वो कोई क्वेश्चन हो तो वो प्लीज बता देंगे। और सेकंड हाईएस्ट बिड वाली कहानी भी समझ लग गई? सही है, और कोई? अच्छा जी, अब जो है वो यहाँ पर आ गई आपके पास के जी, मींस के क्लिक बिडर बेसिकली वो होते हैं जो कि उसके ऊपर क्या कर रहे थे, अपनी ऑफर को जो है वो मींस के आप यूं समझ लें कि जो अपनी ऑफर कर रहे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिडर बोलते हैं। सही है, मींस जो के कहते हैं कि अच्छा मुझे जो है वो ये चीज़ दे दें तो मैं आपको जो इतने पैसे दे दूंगा, तो देन इट्स मींस के जो है वो अब फॉर एग्जांपल एक जो है वो एक बोली लगी हुई थी, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट थी वो एक्स वैसी, सही है, वो सेल हो रही थी, तो मैंने कहा जी मैं इसको $10 में खरीदने को तैयार हूँ, ठीक है, तो इट्स मींस कि जो है वो मैं एक बिडर हूँ वहाँ पर। सही है, ये होता है बिडर। सर एक क्वेश्चन जी, था सर, ये जो माउस आपने रखा हुआ, ये सोल्ड बैंड एक साथ है, 3 सेलर और 4 सेलर, 1 सेलर, इसका क्या मतलब है? अच्छा, इस वक्त जो करंटली जो है वो इसके ऊपर इस वक्त जो है वो सोल्ड बाय N.A मीन्स के वो उसने सोल्ड बाय के मतलब इसको बेच कौन रहा है। सही है, उसने उसकी वो इन्फॉर्मेशन नहीं पिक कर सका। सही है, ये आ रहा है इस क्रोम एक्सटेंशन की, ये एक्सरे जो है वो इसकी वजह से ये डाटा मुझे यहाँ पर बाहर शो करवा रहा है हर प्रोडक्ट का, ठीक है, तो अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये आपके पास जो है वो शो नहीं होगा यहाँ पर। सही है, एक बात तो यहाँ पर ये है कि सही है कि ये सोल्ड बाय N.A आ रहा है। सही है, नॉट अवेलेबल होता है ये, मीन्स के इसकी जो है एक्सटेंशन के अंदर एरर है, उसने जो है वो इस सेलर का बेसिकली यहाँ पर ये आना चाहिए था कि सोल्ड बाय दिस है, ये यहाँ पर ये जो है वो MITB, ये जो किचन वेयर है, सही है, ये बेसिकली बाहर आना चाहिए था यहाँ पर सोल्ड बाय इसकी जगह पर। अब जो है वो उसने डाटा पिक नहीं किया तो खैर वो कोई मसला नहीं है। बाकी जो है वो इस लिस्ट के ऊपर कितने सेलर जो है वो अपनी ऑफर लगा के बैठे हुए हैं वो ही आपको बता रहा है। अभी हमें उतर 3 सेलर बैठे हुए हैं। सही है, तो अभी हमने इसी को ओपन किया होता ना, ये देखें यहाँ पर। सही है, तो ये देखें जो है वो यहाँ पर ये 3 लोग बैठे हुए हैं अपनी ऑफर लगा के। सही है, ये देखें दो, एक तो वो सेलर खुद है। सही है, ये देखें, ठीक है, और बाकी जो है वो दो क्या है अमेजोन के वेयर हाउस वाले हैं। सही है, तो वेयर हाउस वाले कौन होते हैं ये कहानी मैंने आपको कल ही बता दी थी, ठीक है। अच्छा, इनके पास स्टॉक भी एक एक ही है, एक एक यूनिट है जो कि डैमेज हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। अब ये देखें यहाँ पर बॉक्स पैकेजिंग है ना, ठीक है, तो बॉक्स पैकेजिंग में अक्सर जो है वो यूनिट आपके डैमेज होते होते हैं। सही है, इनकी नुकरें जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है, और बाकी सारा सीन इस तरीके से जाता है, तो उसमें जो है वो फिर क्या जाता है वो फिर अमेजोन डैमेज यूनिट्स के अंदर जो है वो उनको शो करवाता है। यहाँ पर ये लिखा भी होगा, सही है, माइनर कॉस्मेटिक इम्परफेक्शन ऑन टॉप फ्रंट और साइड ऑफ आइटम, आइटम विल कम इन ओरिजिनल पैकेजिंग, पैकेजिंग विल बी डैमेज्ड, ठीक है जी। अच्छा, आइटम विल कम इन ओरिजिनल पैकेजिंग, सही है, पैकेजिंग विल बी डैमेज्ड, ठीक है, तो मींस क्या होता है कि आपको पहले से बता दिया जाता है कि मतलब कोई बंदा ये ना समझे कि अमेजोन ने उसको जो है वो यूज प्रोडक्ट भेज दी हुई है, तो वो आपको पहले बता देते हैं कि ओरिजिनल पैकेजिंग के अंदर आ रही है, बट क्या है कि जो पैकेज है वो बॉक्स है वो थोड़ा सा क्या होगा डैमेज होगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ये देखें कि एक मैक्स ऑर्डर लिमिट होती होती है, ठीक है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि अब सम टाइम क्या होता है कि लाइक आपने जो है वो कोई 20-30% का जो है वो कूपन जो है वो लगाया हुआ है, तो लोग फिर क्या करते हैं कि वो सारे ही जो है वो आपकी पूरी की पूरी इन्वेंटरी जो है वो क्या कर लेते हैं, वो खरीद लेते हैं 20% ऑफ पे या 30% ऑफ के ऊपर। सही है, या फिर आपने कहीं पर जो है वो एक कोई कूपन कोड दिया हुआ था 50-40-60% ऑफ का, तो एक बंदा आया उसने 60% ऑफ के साथ आपका सारा स्टॉक क्या कर लिया, परचेज कर लिया। अब ये जो है वो फिर अमेजोन इस तरीके के ऑर्डर जो है वो कैंसिल नहीं करता होता, तो अब फिर वो दोबारा क्या होगा कि मतलब उसने तो जो है फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट थी $100 की, तो उसने तो 40 में खरीद ली ना 60% ऑफ के ऊपर,
ठीक है, तो आप फिर क्या करेगा, वो फिर दोबारा अब उसको तो 40 में पड़ी हुई है, वो आके इधर 50 में भी बेचना शुरू कर दे तो लोग फिर भी लेंगे। सही है, वो अपन 10 करोड़ का मार्जिन रख के। तो इस वजह से यही होता है कि फिर यहाँ पर जो है वो एक लिमिट लगाई जाती है। अमेजोन आपको ये एक फैसिलिटी देता है कि मीन्स आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि एक वक्त में जो है वो एक कस्टमर को इतने ऑर्डर जो है वो दिए जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हम। सही है, तो अब इसने जैसे 10 लगाई हुई है कि मतलब ये जो है अभी, अब मैं जो है वो अगर इसको जो है ऐड टू कार्ट करता हूँ और परचेज करता हूँ तो मुझे जो है वो 10 ऑर्डर ये जो है वो देगा, खरीदने देगा, 10 यूनिट ऑर्डर करने देगा। उससे ज़्यादा अगर मैं कहूँगा तो वो कहेगा कि नहीं जी, इससे ज़्यादा आप जो है वो नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो ये एक मैक्स ऑर्डर की लिमिट है। सही है, ये आपको एक बात जो है वो जहन में होनी चाहिए आपके। अच्छा जी, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। अब हमें ये पता चल गया कि बेसिकली अमेजोन के ऊपर पीपीसी क्या होती है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो है वो अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं, ये देखें अब ये जो 4 लाइनें हैं, अच्छा ये जो है वो हेडलाइन जो है वो आ रही है, ये भी स्पॉन्सर्ड है। सही है, इट्स मीन्स कि आप भी समझ लें कि यहाँ पर एक बिलबोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर अमेजोन की वेबसाइट के अंदर एक बिलबोर्ड लगा हुआ है। सही है, एडवर्टाइज हो रही है। ठीक है, अब ये जो 4 लोग हैं ये भी अपने पैसे दे के जो है वो अमेजोन के ऊपर आए हुए हैं। अब यहाँ पर अगर आप इसके इस वाले लिस्टिंग और इस लिस्टिंग के दरमियान अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें टाइटल के ऊपर आपको कुछ चेंज नजर आ रहा है जी, कोई बंदा स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ। जी एग्जैक्टली। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, सही है, और यहाँ पर जो है वो स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिएगा कि इसका मतलब ये है कि अब ये ऑर्गेनिकली रैंक्ड है। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि मीन्स के जो है वो ये कोई पैसे नहीं दे रहा है अमेज़ोन को। सही है, अब जिस तरीके से मैंने इसको जो है वो क्लिक कर लिया है यहाँ पर, तो जब हमने यहाँ पर इसको क्लिक किया था तो उस वक्त इसको एक पैसे पड़ गए थे इसी गार्लिक पैस के ऊपर, कीवर्ड के ऊपर इसने जो भी बिड की हुई थी। बट अगर हमने इसको क्लिक किया है बिकॉज ये ऑर्गेनिकली रैंक्ड है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको जो है वो यहाँ पर कोई पैसे जो है वो नहीं पड़े इस वक्त। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली आपका डिफरेंस होता है ऑर्गेनिक एंड स्पॉन्सर्ड रैंक के अंदर। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड रैंक है 1 के ऊपर, ये स्पॉन्सर्ड रैंक 2, स्पॉन्सर्ड रैंक 3 एंड स्पॉन्सर्ड रैंक 4। ये देन उसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो सो ऑन इस तरीके से। सही है, अच्छा, अब जो है वो ये बेसिकली एक नया ऐड की टाइप अमेजोन ने यहाँ पर शो करवाई है अपने पेज के ऊपर बाहर ही। सही है, कि अब आप जो है वो वीडियो ऐड जो है वो ये शो करवा सकते हैं अमेजोन को। ठीक है, देखें इसके साथ भी आपको क्या आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड आ रहा है। सही है, तो मीन्स स्पॉन्सर्ड जो है वो जहाँ जहाँ भी आपका जो है वो नजर आएगा, इट्स मीन्स कि आप कुछ समझ लग जानी चाहिए वहाँ पर कि आप यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये जो है वो आपकी कोई कैंपेन चल रही है। जी समझ लगी है यहाँ तक? जी सर। अच्छा चलें जी, देन जो है वो फिर उसके बाद ये है, ये कुछ एडिटोरियल रिकमेंडेशन आ जाती है यहाँ पर। सही है, मीन्स के जो है वो एडिटोरियल जो है वो ये इनकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, जो कि वो रिकमेंड किया करती है। ठीक है, एंड हाईली रेटेड गार्लिक प्रेसेस। ठीक है, एंड बाकी जो है वो अगेन फिर जो है वो ये स्पॉन्सर्ड जो है वो शुरू हो गए, एंड देन ये स्पॉन्सर्ड चलते रहे चलते रहे। ठीक है, एंड देन फिर यहाँ सॉरी ऑर्गेनिक जो है वो चलते रहे यहाँ पर। सही है, ये ऑर्गेनिक की एक और लाइन, ये दूसरी लाइन। ठीक है, एंड देन फिर क्या हुए, फिर जो है वो अमेजोन ने फिर 3 डिजर्ट्स जो है वो स्पॉन्सर्ड के मिक्स कर दिए। सही है, एंड देन उसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गए। सही है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन इस तरीके से जो है वो ये आप देखेंगे कि आपको ये अमेजोन का जो पेज है वो इस तरीके से जो है वो नज़र आएगा। ये देखिए फिर 2 स्पॉन्सर्ड आ गए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब जो है वो ये बेसिकली फर्क होता है आपका अमेजोन पीपीसी और ऑर्गेनिक रैंक के अंदर। सही है, यहाँ तक समझ, आई होप कि यहाँ तक जो है वो सब लोगों को अब समझ लग गई होगी कि अमेजोन के ऊपर पीपीसी क्या होती है और वो किस तरीके से जो है वो आपका मीन्स के रिजल्ट्स के अंदर जो है वो आपको किस तरीके से आप उसको जो है वो चेक कर सकते हैं कि अच्छा ये पीपीसी का रिजल्ट आ रहा है या फिर जो है वो ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जी, कौन है?
सर वो जो नीचे शो हो रहे हैं तीन चार जाके स्पॉन्सर्ड, उन्होंने कम पे किए होंगे इस वजह से ज्यादा नीचे शो हो रहे हैं। जी अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है? अब ये देखिए आप जो है वो, अच्छा वो तो हमने जो है एक फैक्टर डिस्कस किया था इसका, कि मींस के जो आपकी एक तो रेलिवेंसी के ऊपर सही है, और दूसरी बिडिंग के, अच्छा बिडिंग के ऊपर जो है वो अमेजोन आपसे जो है वो पे करता है कि आपने ज़्यादा बिड दे दी तो अमेजोन ने आपको जो है वो ऊपर शो करवा दिया, वैसे सही है। दूसरा इसकी रेलिवेंसी भी होती है, कि मींस आप इस कीवर्ड के जो है वो कितना रेलिवेंट है, सही है, अमेजोन के एकदम ये भी चेक करते हैं, सही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको शो करवाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सही है, अब मेरी जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली है गार्लिक प्रेस, सही है, और मैं जो है वो अमेजोन को बोलूँ कि नहीं, जब कोई भी, जब जो जो हमारी दूसरी जो प्रोडक्ट है जिसके हम एग्जाम्पल लेते हैं, सही है, लेट्स सपोज जो है वो अंडर बेड स्टोरेज की, सही है, तो सही है। तो दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि अमेजोन जो है वो डिस्ट्रिक्ट से देखें, यहाँ पर ये चार नजर आ रहे हैं, सही है, अभी आप यहाँ पर ये देखेंगे चारों के चारों एक जैसी प्रोडक्ट्स हैं, सही है, यहाँ पर आपको कोई गार्लिक प्रेस नजर नहीं आ रहा, सही है, गार्लिक प्रेस करते तो कोई अंडर बेड नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो दूसरी जो एक कंडीशन यहाँ पर होती है इस ऑक्शन को विन करने के लिए, सही है, वो ये होती है कि आपकी रेलिवेंसी भी होनी चाहिए। आप जिस कीवर्ड के ऊपर बेसिकली आप बिडिंग करने जा रहे हैं वो क्या कीवर्ड आपसे रेलिवेंट भी है कि नहीं है, ऐसा मतलब नहीं होता कि आप जो है वो, अगर आपकी प्रोडक्ट है मीन्स के जो है वो कोई अंडर बेड स्टोरेज ऐसा ही है, और आप कहेंगे नहीं मेरे जो गार्लिक प्रेस भी जब कोई टाइप करे तो फिर भी आपने मेरी प्रोडक्ट देनी, तो वो अमेजोन का एकदम कहेंगे कि नहीं ये तो जी हो ही नहीं सकता, सही है, आपकी तो कैटेगरी भी होम एंड किचन है, सही है, देन उसके अंदर जो है अंडर बेड स्टोरेज आ रही है, जबकि इसकी जो है वो क्या है किचन एंड डाइनिंग है, एंड देन जो सब कैटेगरी जो है वो इसकी गार्लिक प्रेसिज है, तो ये तो जो कीवर्ड है वो ही बेसिकली आपसे जो है वो रेलिवेंट नहीं है, तो हम जो है वो आपको सॉरी नहीं शो करवा सकते, सही है। तो अब यहाँ पर एक बात हमें और भी समझ लगी कि आपकी रेलिवेंसी भी आपकी उस कीवर्ड से क्या होनी चाहिए जिस कीवर्ड के ऊपर आप अमेजोन को जो है बताने जा रहे हैं कि मुझे शो करवाएं, उसके साथ आपकी रेलिवेंसी भी होनी चाहिए, मीन्स कि आपकी जो प्रोडक्ट है उससे रेलिवेंट भी होनी चाहिए, सही है। अच्छा एक कंडीशन यहाँ पर ये भी आती है, एंड देन जो है वो फिर उसके बाद ये भी होता है कि आपकी जो है वो इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो आपकी कन्वर्जन भी चेक की जाती है, सही है, अगेन वो रेलिवेंसी के अंदर ही आता है, सही है, फिर हम इसको थोड़ा सा रेलिवेंसी को थोड़ा सा आगे फर्दर पोस्टपोन कर रहे हैं कि आपकी जो है वो इसके ऊपर कन्वर्जन भी नहीं चाहिए। आप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि सही है कि कोई गार्लिक प्रेस टाइप करे, सही है, वो आपकी प्रोडक्ट खरीदे भी सही, अगर हम अमेजोन कहते हैं कि मैं आपको ऊपर शो करवाऊँ तो वो उसको खरीदे भी सही, सही है, अगर मीन्स के जो है वो अब गार्लिक प्रेस किसने टाइप किया और मैं आपकी प्रोडक्ट ऊपर शो करवाता जा रहा हूँ, ऑल दो आप मुझे पैसे भी हाई पे कर रहे हैं, सही है, बट आपके प्रोडक्ट कोई खरीद नहीं रहा, तो देन यू आर यूजलेस फॉर मी, वी आर नॉट एबल टू या लाइक वी आर नॉट रेडी टू हाई रैंक टू यू, सो तो वो बेसिकली क्या करेगा आपको वो जो है वो फिर क्या करेगा उसके ऊपर, तो मीन्स कि क्या हुआ कि आपकी जो है वो एक तो आपकी बिडिंग जो है वो सही होनी चाहिए इसके ऊपर, आप सेकेंड हाईएस्ट बिडर हो इसके लिए, दूसरा जो है वो आपकी रेलिवेंसी होनी चाहिए इसके साथ, सही है, एंड थर्ड जो है वो फिर क्या हो आपकी इसके साथ कन्वर्जन भी होनी चाहिए, कि मीन्स आपकी जो प्रोडक्ट है वो कोई बंदा ये टाइप करके वो खरीदे भी सही उसको, सही है, तो फिर जो है वो ये इस तरीके की, और इसके अंदर अब फ्रंट एंड पे तो बेसिकली ये नजर आ रहा है, अब इंटरनली जो है वो क्या चल रहा होता है इसका किसी को कोई कुछ पता नहीं होता, सही है, कि अमेजोन बेसिकली किस जो है वो क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को ऊपर शो कराता है, बट नॉर्मली जो है वो लाइटली यही होता होता है, ठीक है, कि ये कुछ जो है वो दो चार पैरामीटर मैंने आपको बताए हैं, इसके ऊपर जो है वो इसके इन्हीं के जो है वो वैल्यूज के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि किसको पोजिशन 1 देनी है, किसको 2 है, किसको 3 एंड किसको 4, ठीक है, तो ये एक जो है वो है पोजिशनिंग का बेसिकली, इस तरीके से जो है वो ये काउंट की जाती है, ठीक है। अच्छा फिर जो है वो आता है आपके पास के अब जो है वो अभी जो सब लोग बताएंगे कि ये पता चल के आपको व्हाट इज अमेजोन पीपीसी, अमेजोन पीपीसी बेसिकली क्या होती है और ये किस तरीके से क्या काम कर रही होती है। सही है। अच्छा फिर आता है हमारे पास के
अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ठीक है, तो मींस के कैंपेन जो है वो कितने टाइप की हो सकती हैं, सही है, और मींस के जो है वो क्या बेसिकली यहाँ पर इसके अंदर जो है वो स्टैटिस्टिक्स चल रही होती हैं। तो अमेज़न के अंदर जो कैंपेन्स हैं उसकी टाइप्स हैं आपके पास दो, एक होती है आपके पास ऑटोमेटिक और एक होती है आपके पास मैनुअल, सही है। अब आप जो है वो जो लोग भी जो है वो कार ड्राइवर हैं, ठीक है, आप जो है वो आपने जब एक दफ़ा जो है वो फॉरवर्ड डी के ऊपर अमेज़न आप जो है वो अमेज़न की गाड़ी गाड़ी जो है वो आपने जो गियर है वो शिफ्ट कर दिया डी में, तो इट्स मीन गाड़ी जो है वो स्टैंड कर गई है कि मुझे जो है वो अब आगे की तरफ ही जाना है, ठीक है। अब जो है वो उसने खुद से ही समझ लिया है जहाँ पर आप ब्रेक लगा रहे हैं तो वो गियर को जो है वो लो में लेके आ रही है, सही है। जब आप एक्सेलेरेटर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने भगानी है गाड़ी, तो ठीक है वो अब जो है वो क्या कर रहा है, एक ऑटोमेटिक और दूसरी मैनुअल, सही है। तो मींस वहाँ पर जो है वो गाड़ी खुद ब खुद जो है समझ रही है कि अच्छा आप जो है वो ये जो ड्राइवर है वो बेसिकली आप इसको जो है वो हाई स्पीड में जो है वो लेके जाना चाहता है, तो वो उसके गियर क्या कर देता है 2, 3, 4, 5 इस तरीके से क्या कर देता है शिफ्ट उसकी चेंज करता जाता है, सही है। तो मींस ये जो गियर वाला सिस्टम है अब वो आपके कंट्रोल में नहीं रहा, वो गाड़ी ने कहा कि ठीक है अच्छा आपने मुझे कह दिया क्या कितना चलना है, अब बस आप मुझे ये बताते जाए कि कितना भागना है, सही है। तो वो अब वो फिर कितना भागना है फिर वो जो है वो ये वाला काम खुद करते जाएंगे, सही है। तो सेम यहाँ पर यही होता है, आप यहाँ पर कह देते कि अच्छा ये मेरी प्रोडक्ट है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके से इसको भगाना है, क्या है इसके कीवर्ड है, क्या जो है वो इसकी लॉजिक होनी चाहिए, किस तरीके से जो है वो भगाना चाहिए इसको, ये कैसे भगाना चाहिए, सही है, ये कैसे चलाना चाहिए, मुझे नहीं पता इसका, बस ये मेरी प्रोडक्ट है ये जो है और ये मेरे पास ये इसका बैलेंस है, सही है। मतलब कि मेरे पास जो है वो पर डे के लिए इसके पास इसके लिए ना मेरे पास $50 हैं, तो $50 हैं आपके पास, सही है, और ये मेरी प्रोडक्ट है। अब आपको इसको किस कीवर्ड के ऊपर शो करवाना है, किसके ऊपर शो नहीं करवाना, ये आपका काम है, ये आप जो है वो खुद ही करेंगे, सही है। तो ये तो होती है आपकी ऑटोमेटिक कैंपेन, सही है। ऑटोमेटिक कैंपेन का आई होप के आइडिया हो चुका होगा सबको कि मीन्स जिसमें जस्ट आप अपनी प्रोडक्ट का एसन देते हैं और फिर जो है वो एसन और प्लस आपको बजट देते हैं, सही है, और उस बजट के बाद जो है वो अमेज़न खुद से डिसाइड करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट जो है वो किस किस कीवर्ड के रेलिवेंट है, वो फिर उसके क्या करता है बेस्ड ऑन आपकी प्रोडक्ट की सेल्स हिस्ट्री एंड बाकी लिस्टिंग का जो कंटेंट है उसके मुताबिक को बाकी जो सब चीज़ें हैं तो उसके मुताबिक क्या करेगा वो फिर अपने जो है वो कस्टमर्स को जो है वो उसके फ्रंट कस्टमर्स के फ्रंट के ऊपर जो आपकी प्रोडक्ट को क्या करेगा वो शो करवाएगा। मींस के इस केस में जो मैन्युअली जो है जो कीवर्ड होते हैं वो देना जो है वो फिर उस वो क्या होता है स्किप हो जाता है, जिस तरीके से आप मैन्युअली गेन मैनुअल गाड़ी के अंदर आप एक गियर चेंज कर रहे होते हैं, सही है, तो इस तरीके से यही सेम यहाँ पर यही होता है कि आप यहाँ पर कीवर्ड चेंज कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक में ये सीन नहीं होता। ऑटोमेटिक में बस यही कि आपने कैंपेन क्रिएट की उसकी टाइप ऑटोमेटिक, सही है, अमेज़न कहेगा ठीक है जी मुझे समझ लग गई है, और उसके बाद जो है वो फिर आप उसको ये बता देते हैं कि अमेज़न पूछते हैं कि मुझे बताएं डेली बजट आपका क्या है इसके लिए, तो अच्छा आपने ये जो है वो कितने अरसे के लिए चलानी है, इसका कोई एंड डेट भी है कि नहीं है, तो हम कोई एंड डेट सेट नहीं किया करते होते, हम बस ये कहते हैं कि आप बस आप इसको चला दें, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा मुझे बताएं इसका कोई लाइफ टाइम बजट है आपके पास, या फिर जो है वो डेली बजट के ऊपर चला जाते हैं, हम इसको कहते हैं कि नहीं आपने डेली बजट जो है वो डेली इसके लिए ना लाइक मेरे पास $15 से $20 या जो भी आपकी जो है वो रेंज होती है वो आप उसको बता देते हैं, सही है। और अब मोस्ट लाइकली यूँ नहीं होता कि आपने $15 दिए हैं तो सम टाइम वो 15 के 15 ही कंज्यूम हो जाएंगे, सही है, या फिर जो है वो 15 ही कंज्यूम हो गए, सम टाइम वो 15 से 16 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, सही है, बट ये होगा कि इसके दरमियान में रहेंगे, सही है, या जो आपने जो है वो उसको अमेज़ोन को कहा उसके दरमियान में वो है अमेज़ोन जो है वो रहेगा, ठीक है जी। अच्छा एक बात तो यहाँ पर ये होगी कि एक तो होती है आपकी ऑटोमेटिक कैंपेन, दूसरी आती है फिर आपकी मैनुअल कैंपेन, सही है। मैनुअल कैंपेन के अंदर क्या करते हैं आप, जिस तरीके से आप गाड़ी आप यूँ समझ लें कि वो जो गाड़ी थी अब जो है वो उसके आप हर एक पॉइंट के ऊपर आप गियर खुद चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर समझ लें गियर की जगह पर आ गए हैं आपके कीवर्ड्स, सही है। आप जो है वो अमेज़न को खुद बता रहे होते हैं कि अच्छा आपने जो है वो मुझे अब मेरी प्रोडक्ट है तो मैं PPC कैंपेन चला रहा हूँ तो डेफिनेटली अब मैनुअल कैंपेन जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं उसको यही बोलूँगा ना कि मुझे गार्लिक प्रेस के ऊपर शो करवाना है, सही है आपने, और इसके ऊपर अंडरबेड स्टोरेज के ऊपर शो नहीं करवाना, ठीक है। तो अब इस तरीके से मैंने उसको मैं उसको ये बता रहा हूँ कि अच्छा कोई गार्लिक प्रेस टाइप करे आपने फिर भी मुझे शो करवा देना है,
सही है। और कोई कोई क्या प्रेस करे सही है म्यूजिक में, ठहरे जरा यहाँ पर देखें अगर कोई की वाला सजेशन में। तो अब गार्लिक प्रेस स्टेनलेस स्टील टाइप करे आपने, फिर मुझे शो करवाना है सही है। एंड गार्लिक प्रेस एंड स्लाइसर्स टाइप करे फिर आपने मुझे शो करवाना है सही है। गार्लिक प्रेस इलेक्ट्रिक, अगर मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर रिजल्ट मेरे जो है वो मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट ही आ रहे हैं, तो तब भी आपने मुझे शो करवा देना। अब जिस तरीके से ये है गार्लिक प्रेस रोकर है ये सही है, तब मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर क्या है। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कोई रोकर कोई ब्रांड नेम तो नहीं है सही है। अब क्योंकि अभी देखें गार्लिक प्रेस रोकर, आई थिंक जो है वो ये रोकर जो है वो बेसिकली कोई ब्रांड नेम शायद लग रहा है कि जो है वो। अच्छा रोकर में ना मेरे ख्याल में शायद जो है वो इस टाइप के आ रहे हैं आपके सही है। अच्छा अब ये देखें, अब यहीं पर ये देखें, अगर हम एग्जांपल जो है वो ये ओपन कर लेते होते हैं ठीक है। अगर आप अब आप जो है वो एक गार्लिक प्रेस है आपका सही है और वो इस टाइप का है सही है। तो अब आप अमेजोन बेसिकली हमें ये कहता है कि जब कभी भी क्या होता है कोई बंदा गार्लिक प्रेस रोकर टाइप करता है तो वो डेफिनेटली इसी ही तरह की कोई प्रोडक्ट परचेज करता है सही है। तो इस वजह से जो है वो मैं आपको बात हो रही थी कि जो है वो मैनुअल कैंपेन की सही है। तो मैनुअल कैंपेन के अंदर बेसिकली क्या होगा, अब जो है वो फिर अब आप अमेजोन को ये भी बता रहे होंगे सारा प्रोसीजर जो है वो, आप अमेजोन को खुद बता रहे होंगे कि ये मेरा डेली का बजट है सही है, लेट्स सपोज $20 डेली का बजट है सही है। और इसके अंदर जो है वो मीन्स आप इतना ही कंज्यूम करते हैं, इससे $1-2 ऊपर हो जाए तो कोई मसला नहीं है ठीक है। और उसके साथ साथ जो है वो मैनुअल आपने जब सेलेक्ट की है तो फिर अमेजोन आपसे बेसिकली ये फिर आपसे अमेजोन पूछेगा कि अच्छा मुझे बताएं आपके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। वैसे जो है वो मैनुअल के अंदर जो है वो आपको जब आप एसन को एंटर करते हैं तो वो आपको सजेस्टेड कीवर्ड ऑटोमेटिकली जो है वो आपको इंपोर्ट कर देता है कि अच्छा आपकी जो प्रोडक्ट है ना उससे रेलिवेंट जो है वो मेरे पास ये कीवर्ड है सही है। तो क्या आप ये कीवर्ड जो है वो आप जो है वो सेलेक्ट करना चाहते हैं नहीं चाहते, तो वो जो कीवर्ड होते हैं। अच्छा शुरू में बेसिकली क्या होता है कि हमें क्योंकि नहीं जो है वो शुरू में हमें नहीं पता होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है, अब हमें ये तो पता होता है कि गार्लिक प्रेस के ऊपर जो है वो मींस के जो है वो लोग हमारी प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है नाम जो है वो गार्लिक प्रेस है सही है, और हम इसके ऊपर जो है वो चला देते हैं कैंपेन सही है। अब हो सकता है कि जो है वो इस कीवर्ड के जो अगेंस्ट जो है वो लोग ये वाली प्रोडक्ट जो है वो परचेज करते हैं, तो इसका हमें नहीं आइडिया ना स्टार्ट में। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम ना ऑटोमेटिक कैंपेन चला के ना एक दफा तो हम ना कुछ कीवर्ड जो है वो ड्राइव कर लेते हैं सही है। तो कुछ कीवर्ड जो है वो जो ड्राइव कर लेते हैं सही है, जब हमने रिसेंटली एक आपने देखा कि पीपीसी हमने रिपोर्ट भी एक स्टडी की थी सही है, तो जिसके अंदर जो है वो फिर हमने मीन्स के देखा था कि कितने लोग जो है वो किस कीवर्ड को टाइप करके आ रहे हैं, तो कितने कन्वर्ट हो रहे थे, कितने वापस जा रहे थे, कितने परचेज कर रहे थे, कितने नहीं परचेज कर रहे थे सही है। तो उन रिजल्ट्स को देखते हुए पहले एक दफा ऑटोमेटिक कैंपेन को चलाकर फिर हम जो है इस बात का फैसला करते हैं कि अच्छा ये कीवर्ड जो है वो हमसे रेलिवेंट है सही है, ये कीवर्ड इसको जो है वो हमें टारगेट करना चाहिए कि इसको हमें टारगेट नहीं करना चाहिए। लेट्स सपोज जो है अब हमने एक फाइल डाउनलोड की सही है, तो उसमें से जो है वो ये दो कीवर्ड निकले, एक गार्लिक प्रेस और एक सर गार्लिक आवाज बहुत कम आ रोकर। रही अच्छा है। बाकी सब लोगों को भी इशू आ रहा है आवाज का? नहीं सर ठीक आ रही है। फिर काइंडली आप अपने एंड पे देख लें जो है वो, मेरे ख्याल से जो है वो मैंने माइक बिल्कुल अपने मुंह के साथ किया हुआ है सही है, तो आई थिंक जो है वो क्लियर होनी चाहिए। आप जो है वो ऐसे करें इसको लीव करके जो है वो दोबारा ज्वाइन कर लें, मे बी हो सकता है फिर आपके जो है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा ठीक है जी। अच्छा तो अब इसको बेसिकली क्या हुआ कि अब हमारे पास जो है वो दो कीवर्ड आ गए, एक गार्लिक प्रेस और एक गार्लिक प्रेस रोकर सही है। गार्लिक अब जो है वो अब डेफिनेटली अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो ये वाली है तो ये वाली है अब, और गार्लिक प्रेस रोकर के ऊपर जो है वो अमेजोन हमें ये शो करवा रहा है। ये जो रिजल्ट है बेसिकली ये आप इनको जो है वो मीन्स के आप इनको ना जिसको अल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं आप वो कर सकते हैं इनमें ना, कि मीन आप एक कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो सेल्स वेलोसिटी लाना शुरू कर दें तो अमेजोन उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपको रैंक कर देगा। बट ये होता है कि ये थोड़ी देर के लिए होते हैं लेकिन ज्यादा देर ना आपकी टिक नहीं सकती, तो ज्यादा देर जो है वो
होती है, जो चीज़ जो मतलब ऑर्गेनिक होती है ना वही आती है, मीन्स के जिसके ऊपर जो है वो कस्टमर्स का बेसिकली जो है वो बाइंग बिहेवियर होता है ना जिस कीवर्ड के अगेंस्ट, तो वो चीज़ आपको अमेजोन बेसिकली वही दिखाता है। ठीक है, अब आप ये देखें कि जो रोकर वाला है, सही है, अगर आप जब आपने रोकर का कीवर्ड साथ लगा दिया है तो सारे ही जो है वो यही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कीवर्ड है वो बेसिकली इस तरह की प्रोडक्ट से क्या है, रेलिवेंट है। सही है, मीन्स इसको जो है वो, इसको हम लोग ना रेलिवेंसी चेक करने के लिए जो है वो यूज किया करते होते हैं कि आपका प्रोडक्ट किसके लिए, किस कीवर्ड से रेलिवेंट है। तो रेलिवेंसी चेक करने का तरीका कार यही भी होता है कि आप अमेजोन के ऊपर वही कीवर्ड टाइप करके देख लें, तो फिर देखें रिजल्ट्स में क्या आता है। अगर रिजल्ट में जो है वो जो आपकी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं जो गार्लिक प्रेस बेच चाहता हूँ इस तरीके का, सही है, मेरे पास है, तो अब बाकी वाले भी इसी तरीके के आ रहे हैं, तो इट्स मीन्स कि ये कीवर्ड मुझसे रेलिवेंट है। सही है, बट अगर जो मेरा गार्लिक प्रेस है वो बेसिकली इस तरीके से हैंडल वाला है, सही है, अब ये जो अब मेरे ख्याल के मुताबिक अब अमेजोन के जो रिजल्ट हैं वो सारे हैं बेसिकली ये वाले, सही है, इसके ऊपर, ठीक है, ये वाले सारे नज़र आ रहे हैं, और ये जो भी सेलर है, सही है, इसने अपना पीपीसी ऐड चला दिया हुआ इसके ऊपर, ये इस हैंडल के ऊपर, तो इसने बड़ी बेवकूफ़ी की हुई है मेरे ख्याल से। तो ये मेरे जो है वो एनालिसिस के मुताबिक यही है, क्योंकि इसको जो है वो इस कीवर्ड के ऊपर पीपीसी चलानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अमेजोन जो है वो, जो अमेजोन का सारा जो पेज है, अब आप खुद भी देखें, सही है, अब आप एक जो है वो एज ए नॉर्मल जो आप एक जो है वो है, अब आप खुद देखें कि उसके अंदर जो है वो जो एक हमने कीवर्ड टाइप किया उसके पूरे पेज के ऊपर जो है वो सारी एक जैसी चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन उसके अंदर जो एक चीज है वो बिल्कुल अगेन सी, बस डिफरेंट सी जो है वो उसने उसका ऐड चला दिया हुआ है। तो क्या आप समझते हैं कि इसके ऊपर ये जो है वो ये इसने सही काम किया है? आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं सही काम किया होगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही सर, सही है, ऐसे ही है ना। अब ये बिल्कुल देखें जो है वो इस कीवर्ड के ऊपर, इसको बेसिकली पीपीसी नहीं चलानी चाहिए थे, अब ये बंदा चलाए इस गार्लिक प्रेस के ऊपर बेसिकली चला सकता है, सही है, अब इसने जो है वो इसके ऊपर ये टोटली चला दी डिजाइन हुई ही है, चेंज है तो इसका सर। हाँ जी बिल्कुल, तो इसको अब डेफिनेटली इसके ऊपर क्लिक्स जरूर आएंगे, बट ये है कि लेकिन जो इसकी सेल्स होंगी ना वो बहुत कम होगी, बहुत कम होगी, बिकॉज डाटा पूरा पेज का यही बता रहा है कि जो है वो ये कीवर्ड जो है इससे रिलेवेंट, और इसने कुछ अजीब सी चीज लगा दी हुई है, सही है, तो ये है। अच्छा, तो ये अब फिर क्या होता है कि मैनुअल जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं इस तरीके से, सही है, आपने जो भी ऐड चलाना हो, वीडियो ऐड चलाना हो, सही है, हेडलाइन ऐड चलाने हो ये वाले, या फिर प्रोडक्ट्स वाले ऐड चलाने हो, तो जब आप मैनुअल उसकी टाइप सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर अब आप जो है वो ये काम आपका रह जाता है कि ये लें जी, ये आप जो कीवर्ड है ना उसकी सिलेक्शन भी आपने खुद से ही करनी है। अब ये भी आपने अमेज़न को खुद ही बताना है कि इस कीवर्ड के ऊपर आपने मुझे शो करवाना है और इसके ऊपर जो है वो आपने मुझे शो नहीं करवाना, ठीक है। अब जिस तरीके से ये है, सही है, और जो मैनुअल कैंपेन होती है ना वो बेसिकली आपकी, आपको जो है वो बड़ी मीन्स कि आप यूँ समझ लें कि बड़ा हिट करती है, अगर आपकी जो कीवर्ड की जो कीवर्ड सिलेक्शन की जो आपकी मीन्स आप स्किल है वो अगर आपकी सही नहीं है, ठीक है, मीन्स आप कीवर्ड की जो सिलेक्शन है वो आप सही से नहीं कर पा रहे, आप एनालाइज बेसिकली आप सही नहीं कर सकते, सही है, कीवर्ड्स को, सही है, तो फिर उस केस में जो है वो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप इस तरीके के काम, इस तरीके के पंगे लें आप, सही है, कि वरना अदरवाइज फिर यही काम होगा। अब ये अभी जो वीडियो ऐड होता है ये बेसिकली बहुत ज्यादा आपको जो है बिडिंग कर रहे होते हैं इसके ऊपर लोग, सही है, ये बहुत ज्यादा आपको कॉस्ट करता है, इवन के जो है वो 3-3, 4-4 डॉलर भी जो है वो कॉस्ट कर देता है। अब ये जो वीडियो चल रही है ना अब इसके ऊपर, तो अब जो जो भी बंदा आता है, सही है, एक जो है वो यूजर का बिहेवियर ये है कि वीडियो जो विजुअलाइजेशन होती है, सही है, वो लोग जरूर देखते हैं, मीन्स के जो वीडियो वगैरह हो, तीन पिक्चर्स हो साथ में एक वीडियो, तो डेफिनेटली उसके अंदर ये है कि वो वीडियो जो है वो जरूर क्लिक की जाएगी। अब जो है वो इस कीवर्ड के ऊपर जो बंदा है वो बेसिकली, अब जो रोकर है, सही है, रोकर का मतलब ही यही होगा कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे मीन्स के जिनको पता होगा कि मुझे यही चीज लेनी है, उन्होंने उन्होंने लेने तो यही रोकर आए हुए हैं, सही है, वो उन्होंने कहा अच्छा जी ये वीडियो चल रही है इसको भी जरा देख लेते हैं ये क्या है, वो उन्होंने जब इसके ऊपर क्लिक करना है तो अमेजोन को तो काम खत्म हो जाना है, यहाँ तक उसने तो बायर के सामने जो है वो आपकी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करवा के, सही है, प्रेजेंट करवा के उसने तो अपना जो है वो क्लिक के ऊपर पैसे ले लेने हैं। अब आपकी ये बेवकूफ़ी है कि आपने वो पैसे भी दे दिए और आपको पता भी है, सही है, कि इस तरीके की इस कीवर्ड के ऊपर लोग परचेज नहीं कर रहे, देन स्टिल जो है वो आपने इसके ऊपर जारी रखा, और मीन्स फिर रिजल्ट में क्या होगा कि आप पैसे जो है वो दिए जा रहे होंगे अमेजोन को बट आपकी सेल्स नहीं आ रही होंगी, सही है, तो वो फिर एक कॉस्ट बेसिकली क्या हो जाएगी,
बड़ी हाई हो जाएगी, सही है उस केस में, तो फिर ये होता है, ठीक है। अच्छा तो ये हमारे पास, अब हमें ये पता चला कि मैनुअल और ऑटोमेटिक के अंदर बेसिकली क्या फ़र्क होता है। मैनुअल में जो है वो आप जो है वो बजट वगैरह जो भी होता है वो सारा आप खुद बताते हैं अमेजोन को, सही है, और कीवर्ड आप बेसिकली खुद देते हैं, जो प्राइमरी डिफरेंस है इसमें, आप कीवर्ड भी आप खुद दे रहे होते हैं अमेजोन को, सही है, जबकि जो ऑटोमेटिक होती है उसमें जस्ट आप ये देते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये मेरे पास बजट है, तो उसके बाद जो है वो फिर अमेजोन को खुद का काम स्टार्ट हो जाता है, तो वो आपसे रेलिवेंट जो है वो कीवर्ड निकालता है, सही है, और उसके ऊपर क्या करते हैं वो आपको जो है वो शो करवाता है, सही है। अब फाइन ट्यूनिंग बेसिकली आप दोनों की करते होते हैं, सही है, कि मैनुअल की भी और ऑटोमेटिक की भी। आई थिंक जो है वो आज के लिए इतना मेरे ख्याल से बहुत हो गया हुआ है, तो ये मैं भी जो है वो बोलू बोल के, तो अब इससे जो है वो यहाँ तक दिए जो दो टॉपिक कवर किए हैं, यहाँ से जो है वो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें, ठीक है, देन फिर हम आगे कल जो है वो इसको फर्दर देखेंगे। सर, एक बंदा अगर एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता है और उसका जो है ना अमेज़न चार्ज कर लेता है, उसके बाद दोबारा फिर वापस जाता है उसी पेज पे, दोबारा आके उसको क्लिक करता है, तो उसके तो चार्ज नहीं करेगा ना? जस्ट वन क्लिक का जो सेशन बनेगा, जो इम्प्रेशन आएगा, उसी का वो चार्ज करेगा ना? ऐसे ही है ना? वो अब जब जब तक आपका सेशन इसके साथ बना हुआ है, अब सेशन बेसिकली इस वजह से मैंने आपको पहले से ही समझा दिया था कि सेशन का बेसिकली मकसद क्या होता है, सही है, कि मींस अमेज़ॉन के रिकॉर्ड में आ रहा है कि अच्छा इस बंदे ने पहले भी क्लिक किया था यही पे, यही प्रोडक्ट जो है वो ओपन की थी। अब अगेन जब बीपीसी जो है वो, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिस तरीके से आपके कंपेटिटर हैं, सही है, आपने एक कीवर्ड के ऊपर जनाब एक बिडिंग की हुई है, वो जनाब एक कंपेटिटर बैठ जाए और जितने भी ये मीन्स टॉप के रिजल्ट वाले शो और या सही है इन्हीं के ऊपर क्लिक करके दोबारा क्लिक 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 करता जाए उनको जो है आउट ऑफ बजट कर दे, सही है। तो इस चीज को अब अमेजोन बेसिकली इस चीज को भी देखता है, सही है, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक ही बंदा जो सारे क्लिक किए जा रहे हैं, और फिर तो फिर उसके लिए फिर यही होता है कि जब तक आपका सेशन रहता है इसके साथ, सही है, अब आप दोबारा दोबारा उसके ऊपर क्लिक करते जाएं, इसको पैसे नहीं पड़ने वाले, पैसे जो है वो बस एक ही दफा जो है वो जो पड़ने थे एक क्लिक के ऊपर और एक सेशन के लिए वो पड़ गए, सही है। अब जिस तरीके से जो है वो, अब मैंने जो है वो इसके साथ ये पहले इस क्लिक के ऊपर जो है वो मैंने इसकी प्रोडक्ट ओपन की थी और एक सेशन बना हुआ था, अब मोस्ट लाइकली होगा ऐसे ही कि सेशन अभी जो है वो बनना बना ही होगा इस ब्राउजर में इसके साथ, सही है, वो सेशन वही ही अभी चल रहा होगा। तो अब जो है वो फॉर एग्जांपल मैं आके अभी इसके ऊपर एक दूसरा क्लिक ये भी कर लेता हूँ, सही है, मैंने इसकी पेज प्रोडक्ट ओपन कर ली है, अब मोस्ट लाइकली यही है कि ये अब इसको चार्ज नहीं होगा ये वाला, सही है, क्योंकि बिकॉज सेशन इस वक्त जो है वो अभी सेम चल रहा है, अब यहाँ पे आप देख भी सकते, सेशन का टाइम पीरियड जी किसी को कोई पता नहीं होता कितना होता है, वो इंटरनली होता है। ठीक है, अब ये देखें जो है वो सेशन का जो टाइम पीरियड होता है ना वो किस तरीके से एनालाइज करते हैं, वो एनालाइज करते हैं उसकी क्यू आई डी से, सही है। अब ये क्यू आई डी कहाँ पर होती है ये देखें, यहाँ पर देखें इसकी क्यू आई डी, ये ठीक है ये वाली, अच्छा आप इसकी की वाई डी देखें ये वाली, सही है, और मैंने जो है वो इसको अगेन ओपन किया था, इसकी जो है की वाई डी देखते हैं क्या है, अब ये देखें यहाँ पर जो है वो इस वक्त इसकी जो है वो जो क्यू आर डी थी वो बेसिकली चेंज हो गई हुई थी, तो यस इसके जो है वो दूसरा क्लिक पड़ गया होगा, ठीक है, सही है, ये जो है वो क्यू आर डी चेंज हो गई थी। अगर हम जो है वो इसके साथ देखें, अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, बेचारे को मुफ्त और के पैसे पड़ रहे हैं सर, तो ये जो है वो होता रहता होता है, कोई मसला नहीं है, अब हम भी तो इधर ऐसे नहीं कर रहे, इधर टेस्टिंग ही कर रहे हैं। जी सर, अच्छा अभी देखें जो है वो ये आपकी वर्डी देखें, ये डिफरेंट है, सही है उससे, अच्छा अब जो है वो यूँ होता है कि अब मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, सही है, यहाँ पर, और इसको अगेन ओपन करता हूँ, ठीक है, अब देखते हैं आपकी वर्डी क्या बनी है, अमेजोन के ऊपर जो बिजनेस करते हैं वो गरीब नहीं होते हैं, ये आप बात समझ लेना, सही है। अब ये देखें इस केस में, अगर यहाँ पर ये देखें ये की वाई डी, सही है, और ये की वाई डी दोनों क्या है, यहाँ पर सेम है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो है वो मैं इसको बंद करके, सही है, और इसकी
पेज दबा दबा जितने मर्जी ओपन किए जाऊं, तो उसको जो पहले क्लिक के ऊपर पैसे पढ़ने थे वो पढ़ चुके हूँ मैं, सही है। तो ये होता है बेसिकली इसके अंदर ना, सही है जी। वो जो आपके चार्जेस हैं वो डिपेंड करेंगे आपके सेशन के ऊपर, सही है। तो सेशन अगर चेंज हो गया हो वैसा ही है, तो फिर तो जो है वो आपको एक नई बिड के साथ आपको चार्ज किया जाएगा। अगर आपका सेशन स्टिल वो चल रहा है पहले वाला ही, तो वो अगर आपको क्लिक आ गया तो देन अमेज़न जो है वो आपको चार्ज नहीं करता जी। तो इसका मतलब है कि अच्छा खासा बजट चाहिए पीपीसी के लिए भी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ना कि इस वक्त जो है वो ये कैंपेन्स चल रही है, यहाँ पर $230 इसके ऊपर स्पेंड हो चुके हुए हैं और $446 की ये सेल लेके आई हुई है और 62,000 जो है इसके ऊपर इंप्रेशन है। एक कॉस्ट 52% है इस वक्त, मींस के जो है वो $100 खर्च कर रहे हैं, $52 खर्च कर रहे हैं, तो $100 की सेल आ रही है, सही है। और इस वक्त ये देखें जो है दोनों आउट ऑफ बजट हो चुकी हुई हैं, सही है। और इसका डेली बजट है $10 दोनों का है, तो $20 इस वक्त जो है वो ये कैंपेन, ये एक ऑटो कैंपेन थी, सही है। ऑटोमेटिक टारगेटिंग हो रही है, सही है। ऑटोमेटिक टारगेटिंग वाली जो है वो $93 स्पेंड करके 18 ऑर्डर लेके आई हुई है, सही है। और इन टर्म्स ऑफ मनी $93 जो है वो इसने स्पेंड किए हैं और $257 के जो है वो क्या किया है इसने सेल्स दी हैं हमें, सही है। और जबकि इसके मुकाबले में ये जो मैनुअल टारगेटिंग है जिसके अंदर हमने खुद से कीवर्ड्स दिए थे और अमेज़न को कहा था कि इसके ऊपर आप पीपीसी चला दें, उसने क्या किया है, उसने $139 जो है वो स्पेंड कर दिए हुए हैं और ट्वेल्व ऑर्डर आए हैं उसके ऊपर, टोटल जो है वो 188 की जो है वो क्या करके ये सेल्स लेके आई है, सही है। ये आर ए कॉस्ट मतलब किस हिसाब से जो है हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो 1.36 के हिसाब से आ रहा है, सही है। तो एवरेज जो है वो बेसिकली 1.92 है यहाँ पर जी। इसका मतलब है सर ऑटो जो कंपनी है वो सही चल रही है? नहीं, जरूरी नहीं है कि हर दफा ऑटो ही सही चले, सही है। अब ये डिपेंड कर रहा हूँ सर मैं। हाँ हाँ, यहाँ पर जो है वो आपकी डेफिनेटली ऑटो जो है वो इस वक्त सही चल रही है। अभी देखें जो है वो, अब दोनों की जो है वो एंड डेट कोई नहीं है, सही है। अभी स्टार्ट डेट तो है इसकी 4 नवंबर को स्टार्ट की गई थी, सही है, बट एंड डेट नहीं है। अब एंड डेट बेसिकली क्या होती है, अब इसका भी जो है वो कॉन्सेप्ट सुन ले कि एंड डेट हम बेसिकली क्यों नहीं जो है वो करते। अब एंड डेट में यूँ होता है कि अगर आपने जो है वो इसको बता दिया ना कि आप जिस तरीके से मैंने ये कैंपेन क्रिएट की थी, ठीक है, और मैं इसको कह देता था कि जो 4 नवंबर को स्टार्ट हुई है, 4 दिसंबर को जो आपने क्या करनी है इसको बंद कर देना है, तो अब ये अगर अब ये देखिए जिस तरीके से कैंपेन बिल्कुल परफेक्ट परफॉर्म कर रही है, सही है, तो उसने क्या करना था 4 दिसंबर को इसको बंद कर देना था। अब फिर एक नई कैंपेन चलती, फिर सिस्टम के अंदर एक नया प्रोसेस स्टार्ट होता, सही है, सब चीज़ें वो पिछली दफ़ा से जो है वो अब वैसा जो है वो चलता या ना चलता, तो वो भी फिर एक पता नहीं कोई जो है वो फिर उसकी आपको फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है, सो ऑन इस तरीके से। तो इस वक्त जो है वो ये एक जो आप यूँ समझ लें कि जो मसाला जो चला हुआ है ना, सही है, जो गर्म हुआ हुआ है मसाला, तो वो जो है वो चल रहा होता है, तो हम ये फिर प्रेफर नहीं करते कि बार बार जो है वो उसको वो किया जाए। तो अब जो एक ही चीज़ जो चली हुई है उसी को जो है वो क्या करते हैं हम लोग आगे चलाते हैं फिर, सही है, उसके अंदर फाइन ट्यूनिंग करके थोड़े थोड़े चेंजेस करके। तो इस वजह से मैंने आपको कहा था कि हम जो है वो एक जो है वो जो अच्छा कैंपेन क्रिएटर होता है वो आप देखेंगे कि वो कभी भी जो है वो कैंपेन की एंड डेट क्रिएट नहीं करेगा। एंड डेट क्रिएट करने का कोई तुक भी नहीं बनता, सही है। आपकी प्रमोशन अगर मींस के जो है वो आपने नहीं चलानी पीपीसी, सही है, सिंपल जो है वो जाएं यहाँ से और इसको यहीं से जो है वो ऑफ कर दें, ठीक है, इनेबल डिसेबल यहीं से उसको कर दें, ठीक है। अगर आपने एंड डेट कर दी तो वो तो फिर अब आपकी जो है वो गई ना फिर उसमें, सही है। और अगर कैंपेन जो है वो सही चल रही थी, सही है, तो ऊपर से जो है डेट करीब आ गई एंड वाली जो आपने उसको टारगेट डेट दी हुई थी, तो वो सारा आपका सारा खत्म हो गया ना, सारा हिसाब किताब आपने जो भी उसके साथ किया हुआ था जी। बिल्कुल सर, ऐसे ही है, जब अपने हाथ में है कि जब मर्जी है इसको ऐड कर सकते हैं तो फिर। हाँ जी। और दूसरे नंबर पे सर इसको इसमें एडिटिंग भी हो सकती है कि हमने एक कैंपेन चलाई है उसमें एडिटिंग करनी है, कीवर्ड्स हैं उसमें चेंज करने हमने, और जैसे जी बिल्कुल 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 सब हो सकता है। अब जो है वो यहाँ से इसकी इसको बोलते हैं पीपीसी की फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं इसको, ट्यूनिंग करते हैं आपसे ये कि जो रिजल्ट्स आप, अब मैं जो है वो क्या करूँगा इस यहाँ से जो है वो एक सर्च टर्म इसकी रिपोर्ट कर, जो है वो डाउनलोड करूँगा और फिर इसके अंदर जो है वो मैं यहाँ पर देखूँगा, सही है, कि ये जो मैनुअल कैंपेन है वो बेसिकली इतना मुझे क्यों ज़्यादा जो है वो कॉस्ट कर रही है, सही है, कि मतलब ज़्यादा बजट ले रही है बट ऑर्डर्स कम लेके आ रही है। तो मैं इसको कहूँगा कि अच्छा मुझे मैनुअल
कैंपेन की जो सर्च टर्म है उसकी रिपोर्ट दो जरा। अब उस सर्च टर्म की रिपोर्ट जो है वो फिर मैंने आपको ऑलरेडी एनालाइज करना सिखा दी हुई है, उसके अंदर देखेंगे कि जो जो कीवर्ड जो है वो बेसिकली आपको जो है वो कॉस्ट कर रहे हैं सही है, और मतलब जिनके ऊपर जो है वो सेल्स नहीं आ रही बट ये क्लिक्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसको जो है वो वहीं से वैसे उड़ा देंगे उनको, ठीक है। तो अगर जो है वो और फिर यहाँ अच्छा फिर हम मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पर से इससे जो है वो क्या करूँगा, मैं फिर ऑटो कैंपेन की जो है वो भी बेसिकली निकाल लूँगा सर्च टर्म की रिपोर्ट, और फिर यहाँ से देखूँगा कि इसमें से सबसे बेस्ट कीवर्ड कौन से हैं, मीन्स के जो मुझे सेल्स दे रहे हैं, तो मैं फिर क्या करूँगा उन्होंने कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो मैनुअल के अंदर जो है वो भी मैनुअल के अंदर भी वो डाल के जो है वो उसके एक और कैंपेन जो है वो चला दूंगा, ताकि जो है वो मैक्सिमम जो है वो विजिबिलिटी आए, सही है। जब मैक्सिमम विजिबिलिटी आएगी सही है, तो फिर क्या होंगी आपकी जो सेल्स हैं वो भी फिर क्या होंगी मैक्सिमम जो है वो उसके चांस के जो है वो आने के। इसमें स्टिल जो है वो अभी वही है $233 and $446 जो है वो के सेल्स हैं इस वक्त, और यही है $93 and $139 जी सही है जी। ये होता है बेसिकली आपकी कैंपेन की टाइप्स, ऑटोमेटिक टारगेटिंग एंड मैनुअल टारगेटिंग सही है, एंड देन जो है वो फिर कल हम इसको देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट ए कॉस्ट, हाउ टू ऑप्टिमाइज पीपीसी कैंपेन एंड डोज एंड डॉन्ट्स फॉर पीपीसी कैंपेन, ठीक है जी। ये आपका जो है वो पीपीसी का जो है वो बेसिकली एक पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा सही है, और इसकी बहुत डिमांड है, इसकी तबाही डिमांड है, आप यूँ समझ लें सबसे ज़्यादा जो गोरे हैं ना वो इसी के ऊपर जो है वो लाई करते हैं आपका, ठीक है। और इधर जो है वो आप ये चले जाएं फाइबर, ठीक है, और इधर आप चले जाएं अपर, ठीक है, और इधर आप ज़रा जाके आप ज़रा टाइप कर दें अमेज़न पीपीसी सही है। अब ये देखें आप ज़रा ठीक है, अब ये देखें जो है वो ये कह रहा है कि जी ये सेटअप मैनेज करेगा, ये तो फालतू सही है, बस एवं जो है वो इतने में कोई नहीं करता होता 5,000 में सही है। इसकी जो है वो डिफरेंट एजेंसीज होती हैं, मींस के जो लोग प्रो होते हैं, मींस के जिनके वाकई पास जिनके पास रिजल्ट्स होते हैं वो आपके जो है वो इस तरीके से चार्ज करते हैं 40,000 12,000, इसको जो है वो कन्वर्ट कर लें डॉलर्स के अंदर, सर ये इनके फाइबर पे और इन पे रिव्यूज कैसे परचेज किए जाते हैं सर, अगर बंदा नई एक प्रोफाइल है उस पे चाहता है कि 20-25-30 रिव्यूज जो है ना वो ले लूं, तो उसका क्या तरीका तो है? वो जो है वो ऑनलाइन ग्रुप्स हैं बहुत ज्यादा, आप वहां में जाकर किसी से भी जो है वो आप कर सकते हैं सर। अच्छा, अब इस तरीके से देखें Amazon Account Manager, Listing Optimizer, A Plus, Sponsored Ads सही है, इसका जरा हार करंटली हार रेट देखें कितना $95 पर हार है सही है। अब ऐसा नहीं है कि ये हमें जो है वो $95 पर हॉर लगा के बैठ गया हुआ, इसके पास बेसिकली काम भी होगा और बहुत जो है वो पते का काम होगा इसके पास, वर्क हिस्ट्री अगर इसने हाइड नहीं की हुई तो यहाँ पर सही है। ये देखें जरा जो है वो इन प्रोग्रेस में क्या है, यहाँ पर ये है अच्छा प्राइवेट अर्निंग प्राइवेट कर रखी हुई है इन्होंने सही है, तो ये होता है बेसिकली सही है। इसकी बहुत काइंडली वो बताइएगा कि रिव्यूज के लिए जब हम सोशल मीडिया पे जाकर किसी से कांटेक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं, तो वो हमें प्रोडक्ट प्रोजेक्ट ऑफर करते हैं अपवर्क पे, उससे हम प्रोजेक्ट लेके अच्छा अपवर्क के ऊपर ना लोग आते हैं और आपसे खुद आके जो है वो कांटेक्ट करते हैं सर ये, जबकि फाइवर के ऊपर बिडिंग सिस्टम होता है, एक कोई भी प्रपोजल आता है सर ये सही है, कोई भी जो है वो आप यूँ समझ लें कि एक जो है वो अपवर्क के ऊपर एक जॉब पोस्ट होती है, देन उसके बाद आप जो आप समझते हैं कि मैं इसके लिए जो है एलिजिबल हूँ, तो आप जो है वो बेसिकली करते हैं उसको जो है वो, अब फिर उसको जो है वो अपना सर मैं बेसिकली रिव्यूज जो स्टार्ट में रिव्यूज लेने की बात कर रहा था। अच्छा वो अब एक बंदे से हमने कांटेक्ट किया फेसबुक पे, उसने कहा मैं आपको जो है ना यूएसए के रिव्यूज दिलवा दूंगा, अब उससे कोई वो प्रोजेक्ट हमें ऑफर करेगा उसके बाद वो रिव्यूज देगा,
या उसका क्या तरीकेकार है, या डायरेक्ट जाके वो हमारी प्रोफाइल पे बिना कोई नहीं, प्रोडक्ट? क्यों नहीं होता अगर जो है वो उसके लिए फिर ये होता है कि या तो वो आपको इधर अपवर्क पे करना तो वो इनवाइट करे तो ये, या फिर क्या करे जॉब पोस्ट करते सही है, और जॉब को पोस्ट करने के बाद ना आपको जो है वो एक लिंक दे दे सही है, जिस तरीके सही है। अच्छा अब देखे जो है यहाँ पर ये है सही है, अब वो मुझे बता रहा है कि अब किसी ने जो है वो जॉब पोस्ट की है, रिक्रिएट डिजाइन प्रिंट फॉर यूज ऑन टी शर्ट इन अमेजोन मैचिंग, सही है कि वो कहते हैं कि आई नीड दिस फॉन्ट रिक्रिएटेड फ्रॉम दिस टी शर्ट, मैच द प्रिंट इन द अटैचमेंट, अटैचमेंट उसने दे रखी हुई है सही है। तो मीन्स के इस तरीके की वो कोई आप उसको बोल देंगे कि सही ये मुझे जो है वो चाहिए, तो ये जो वाली जो है वो आपने जॉब पोस्ट कर देनी है ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा सबमिट प्रपोजल ठीक है, और उसके बाद ये आपको बता रहा है कि आपके पास इस वक्त जब दो प्रपोजल दो कनेक्ट चाहिए बेसिकली इसके ऊपर बिल्ड करने के लिए, और अवेलेबल जो है वो 107 है जिसमें कनेक्ट मतलब पड़े हुए हैं ठीक है। ये थोड़ी सी जो है वो हिस्ट्री बता रहे कि पेमेंट मतलब वेरीफाइड है आप लोग जो है वो उसको माइक करना है। ठीक है अच्छा उसके बाद जो है वो 161 इसने जॉब्स पोस्टेड की हुई हैं और 10K प्लस जो है इसने जो है वो स्पेंड कर दिया अब इसके ऊपर, और $10 पर हार जो है वो एवरेज रेट है इसका, मतलब जो ये क्या करता है ये जो है वो पे करता है सही है। तो कनेक्ट्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब आप किसी भी जॉब के ऊपर बिड करते हैं सही है, तो पहले तो ये फ्री होता था कि कोई भी आप कर सकते हैं, बट ये अब ये यहाँ पर ये होता है कि आप कनेक्ट्स पे करते हैं, मींस कि आप यूँ समझने के एक पॉइंट्स होते हैं सही है कि, और ये पॉइंट्स जो है वो बेसिकली खरीदे जाते हैं अपवर्क के ऊपर ना सही है। और ये पॉइंट्स का जो है वो अब जो है वो क्या होता है हिसाब किताब मेरे ख्याल से जो है वो अब मुझे याद नहीं है कितने के पता नहीं कितने कनेक्ट करते हैं, किसी को है पता तो वो बता दे, बट जो है वो मेरे ख्याल से 20 20 20 जो है ना वो फ्री होते हैं उसके बाद जो है ना वो परचेज करने पड़ते हैं। हाँ कुछ इसमें से फ्री होते हैं आते हैं आपको, कुछ जो है वो परचेज करना पड़ते हैं सही है। तो ये होता है इसमें ना जी, ठीक है जी ये होता है इस तरीके से जो है वो आपके आपको जो है वो आके बिड करेगा सही है। आप इसको अपना प्रपोजल सबमिट करेंगे, अब आप देखेंगे और भी बहुत सारे लोग अब इस तरीके से यहाँ पर ये है ये देखें जरा जो है वो लेस देन 5 है, मतलब 5 से जो कम लोगों ने इसके ऊपर जो है प्रपोजल सबमिट किया हुआ है इस वक्त करंटली जो है वो एक इंटरव्यूइंग में, मतलब एक कोई इंटरव्यू कर रहा है ये सही है। तो ये होता है फिर आप प्रपोजल सबमिट करेंगे, एक जो जेन्युइन तरीकेकार मैं आपको बता रहा हूँ जिससे मतलब आपकी प्रोफाइल भी चले जो है वो सस्पेंड ना हो सही है। तो उससे जो है वो फिर आप मतलब ये होगा कि वो फिर आप जाके उसके ऊपर प्रपोजल अपना सबमिट करेंगे सही है, एंड देन वो आपका सिंपल इंटरव्यू करे उसके बाद जो है आपको हायर कर ले, एंड बाकी जो है वो इस तरीके से काम चलता रहे, एंड लास्ट में जो है वो फिर जो है वो आपको जो है वो प्रोजेक्ट ऑफर कर दे, और फिर जो है वो आप उससे जो है वो थोड़ा सा काम चलाएं उसके साथ, कुछ उसके साथ कम्युनिकेशन करें जो है वो उसकी प्लेटफॉर्म के ऊपर जिससे एक ओरिजिनल काम लगे जेन्युइन काम लगे सही है। तो वो जो है वो ये सारा काम करने के बाद जब आपका प्रोजेक्ट एंड हो जाए तो वो फिर क्या करे आपको एक अच्छा जो है वो क्या करे फीडबैक दे दे, ये एक तरीका कार होता है इसका जो है। काफी सारी सर मैंने पोस्ट भी पढ़ी थी जिसमें वो था कि वो जो है ना फलाने में मुझसे वो लिए पैसे लिए उसके बाद बिना मुझे रिव्यू दिए उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो यही बेसिकली होता है ना कि आप जो है वो फिर इस पॉइंट के ऊपर आता है कि आप बंदे जो है वो क्या करें आप ट्रस्टेड ढूंढें जो कि जिनका मतलब पता हो कि ये भागेंगे नहीं, वो जो है वो ज्यादातर यही होता है कि वो जो है वो प्रोजेक्ट ऑफर करके या फिर जो है वो इस तरीके से वो आपसे पैसे लेके भाग जाए, आप तो कुछ नहीं कर सकते उनका। खैर जो है वो हर तरीके के लोग होते हैं, तरीकेकार होते हैं लोगों का अपना अपना। जी सर ऐसा नहीं हो सकता था कि पैसे हम लोग पहले ले लें उसके बाद उनको समझाएं, मतलब पहले उनसे ले लें उसके बाद करें कोई काम फिर? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मेरे ख्याल से नहीं करते लोग, शायद कोई कर देता हो तो कोई फाइबर जो है फाइबर पर होता है ना। अच्छा देखिए इसमें बेसिकली हो क्या रहा है सही है, अब मैंने भी बेसिकली जो है वो अभी रिसेंटली एक किसी प्रोफाइल के लिए रिव्यू लिया था सही है, जिसमें मींस के जो है वो $434 बने हुए थे सही है उसके मेरे साइट के ऊपर।
तो खैर वो तो मेरा क्लाइंट था, उसने मुझे पहले से, मैंने उसके अपवर्क पे काम किया हुआ था, तो उसने जो है वो मुझे प्रोजेक्ट कर दिया अपवर्क पे, देन सो ऑन चलता रहा सारा हिसाब किताब, एंड जो है मैं उसको जो है अब पैसे पे कर रहा हूँ उसके, जो जो उसने मतलब फाइवर को जो उसने पे किए, अपवर्क को उसने जो पे किए थे, सही है। बट मोस्टली जो है वैसा होता नहीं होता। अब जब भी जो है वो किसी बंदे को बोलेंगे, ठीक है, कि मुझे जो है वो इतने का ये चाहिए और इतने मीन्स कि मुझे है वो इतने हॉर्स चाहिए, सही है, और इतने डॉलर पर हॉर के हिसाब से चाहिए, मीन्स कि मेरे $100 बन जाएंगे, तो वो यहाँ पर जो है वो ये जो ये वाले होते हैं ना, वो मैंने सुना है कि $200 ना पर डॉलर का चार्ज करते हैं, या ₹210 पर डॉलर का। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन कर देता हूँ, ये मतलब अब 200 जो रुपए हैं पाकिस्तानी, वो आपको चार्ज करता है एक घंटे का, मीन्स के पर डॉलर का, सही है। तो आपने कहा कि मुझे जो है रिव्यू चाहिए $100 का, तो वो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 200, सही है। तो अब जो है वो आपका अब $100 का जो रिव्यू अब आपको पड़ेगा 20,000 का यहाँ पर, सही है। अगर जो है 210 का, तो वो फिर 21,000 का बन जाएगा डेफिनेटली, इस तरीके से। तो ये होता है, वो फिर आपको कहेगा कि ये जो 20,000 है जनाब, ये इस अकाउंट में जो है सबमिट करवा दें, ठीक है। तो जब आप उसको सबमिट करवा देंगे, तो वो फिर प्रोजेक्ट ऑफ वहाँ पर आपको जो है वो पोस्ट करके आपको उसका लिंक दे देगा, तो बाकी सारा हिसाब किताब चल पड़ेगा। सर ये जो रिव्यू होता है, ये कौन लोग दे सकते हैं? वो लोग जो कि इसके ऊपर एज ए क्लाइंट, इसके ऊपर दो टाइप के लोग होते हैं, एक होती हैं एजेंसी, एक होते हैं सेलर, सही है, और एक होते हैं क्लाइंट फ्रीलांसर, सही, एक फ्रीलांसर होते हैं और एक होते हैं क्या होते हैं क्लाइंट, सही है। फ्रीलांसर मींस कि जो सर्विसेज दे रहे होते हैं, और जो क्लाइंट होते हैं जिन लोगों ने मतलब क्या करनी होती है सर्विसेज, क्या होती हैं वो लेनी होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने एज ए अपने आपको रजिस्टर्ड किया हुआ है सेलर क्लाइंट, ठीक है, तो फिर आप जो है वो जॉब पोस्ट कर सकेंगे एंड सो ऑन, इस तरीके से। मीन्स कि आपको जो है वो कोई काम करवाना है ऑनलाइन, तो आप जो है वो करवा सकेंगे, सही है। और जो दूसरे वो लोग बेसिकली इसमें जो रिव्यू है वो दोनों अमेज़न जो फाइवर है वो दोनों अपवर्क जो है दोनों से रिव्यू लेते हैं, सही है। वो सेलर के अकॉर्डिंग भी लेते हैं कि अच्छा इस सेलर ने आपके साथ किस तरीके का बिहेव किया, सही है, जो काम बताया क्या वही करवाया, या फिर जो है वो मीन्स के बताया कुछ और करवाया कुछ और, या फिर जो है वो मीन्स के सही रहा, ठीक है। और फिर जो है वो उस क्लाइंट से भी बेसिकली आपके आपके बारे में रिव्यू लेते हैं, जो कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर आ रहा होता है, कि क्लाइंट बताता है कि अच्छा इसने जो है वो जो मैंने इसको काम दिया था वो इसने सही से किया या नहीं किया, ऑन टाइम डिलीवरी दी है या नहीं दी, तो ये वाला सारा हिसाब किताब। जी सर, ये अपने सिटी में भी अपने किसी दोस्त का अकाउंट बनवा के सेलर जैसे है प्रोजेक्ट का, उसे भी ले सकते हैं? मसला असल में फिर यहाँ पर ये आता है कि अब आप यहाँ पर देखेंगे, सही है, अगर हम इस देखते हैं इसके ऊपर रिव्यू, इसके ऊपर कोई प्रोफाइल ये देखें कोई हो ये वाली, तो अब इस तरीके से ये है यहाँ पर जॉब की आ रही है, सही है, और इतनी जो है वो रेटिंग्स आ रही हैं, और ये आ रहा है। अब मेरे ख्याल से शायद जो है ना वो यहाँ पर कंट्री जो है वो आता होता है, अगर कंट्री नहीं आ रहा फिर तो सही है, फिर तो आप कर सकते हैं, सही है। ऐसा अगर कंट्री आ रहा है ना फिर जो है वो फिर अब एक बंदा जो है वो सेलर भी पाकिस्तान से, अब क्योंकि सेलर की कंट्री आ रही है जिस तरीके से ये है ना, सही है, ये यूक्रेन से है, सही है ये, ठीक है। तो अगर तो जो है वो वैसे मैंने रिव्यूज के ऊपर कभी इतना ध्यान नहीं दिया, अगर देखें आप सही है लॉग इन करके देखें, अगर रिव्यूज के ऊपर जो है वो कंट्री भी आ रही है, सही है, और कि अच्छा ये बंदा भी यूक्रेन से है, सही है, और बाकी जो इसके ऊपर जो इसके पास जो रिव्यूज हैं सारे वो भी सारे यूक्रेन से ही हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस क्लाइंट को बेसिकली खुद ही पता चल जाएगा कि समथिंग इज फिशी, सही है, कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ है, सही है। बंदा भी यूक्रेन का है सारे, इसको जो है वो क्लाइंट भी यूक्रेन के मिले हुए, तो इसका मतलब ये है कि इसने ये मैनिपुलेशन की हुई है रिव्यूज की। उधर जो है वो अपवर्क के बेसिकली एल्गोरिदम भी फिर अलर्ट होंगे, वो भी फिर जो है वो आपको चेक करेंगे, वो फिर आपके जो है वो जो कनेक्शंस होते हैं वो बेसिकली उसको भी चेक करते हैं कि अच्छा ये किस किस बंदे से कैसे कनेक्ट करता है, क्या कर रहा होता है, तो वो फिर जो है वो इसमें यही होता है फिर, सही है। तो अगर जो है वो फिर मीन्स को उनको पता चल जाए कि आपने इस तरीके से रिव्यूज की मैनिपुलेशन किया है, अब जो रिव्यूज की मैनिपुलेशन है ना वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर बैन है, अब इवन कि वो अमेजोन है, ई बे है, सही है, अपवर्क है, फाइबर है, सही है। अब बेसिकली आप मैनिपुलेशन करके आप जो है वो अपने आप को एक पॉजिटिव अपना जो है वो एक्सपेक्ट दिखा रहे हैं ना, सही है, जबकि आप ऐसे होते नहीं है, या फिर जो है अगर आपको एक जो है वो एक अभी समझिए कि आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, तो वो उन्होंने ऑलरेडी बैन किया हुआ है, सही है,
तो अगर आप उसकी जो है वो अगेंस्ट देंगे तो देन डेफिनेटली वो आपको रिजेक्ट करेंगे। सर ये अपवर्क का कमीशन कितना होता है? फॉर एग्जांपल एक 20,000 का प्रोजेक्ट है 20% ठीक हो गया। मतलब मैं आपको जो है वो खुद ही कैलकुलेशन करके बता देता हूं ना। यहां पर ये देखें जो है वो अगर फॉर एग्जांपल $100 का है ना एक प्रोजेक्ट, सही है, $100 का एक प्रोजेक्ट है, तो आपने अर्न किए $100, सही है। अब जो क्लाइंट से वो जो है वो चार्ज करेगा $103, सही है, उसको जो है वो 3% लगता है क्लाइंट को, ठीक है, क्योंकि उसने भी प्लेटफॉर्म यूज किया ना अपवर्क का, सही है। अच्छा $3 उधर से उसने काट लिए, सही है, और $100 का आपने काम किया था। अब वो $100 जो है वो आपके पास 100 नहीं बल्कि $80 आएंगे, सही है, 20% जो है वो चार्ज करेगा आपसे, सही है। तो इन शॉर्ट आप इसको मिला लें कि जो भी आप अमाउंट है, सही है, उसका जो 23% होता है वो जाता है फाइवर के अपवर्क के पास, सही है, कि मींस कि अगर जो है वो काम हुआ है $100 का, सही है, तो $23 सीधे सीधे चले जाएंगे अपवर्क के पास, दोनों से मिला के, दोनों साइड्स का कमीशन मिला के, ठीक है। तो ये अब मैंने जो बेसिकली रिव्यूज जो है वो हम लोग जो लेते हैं तो हमें तो फ्लैट 23% ही पड़ता है, कि मतलब वही जो फाइवर की अपवर्क की जो फीस होती है और उधर से जो क्लाइंट को जो होता है और जो हमें जो है वो चार्ज होता है, सही है। बाकी जो होता है वो फिर बाकी वाले लोगों को जो लेते हैं तो वो उसके अंदर जो है वो फिर जो सैलर होता है उसकी भी फीस पे करते हैं, उनको भी पैसे पूसे देते हैं, तो वो इस तरीके से होते हैं, बट इतना कोई खास जो है वो नहीं पड़ता, 10-12-15 हज़ार का ही फर्क पड़ता है इसमें जी। एक और क्वेश्चन है मेरा, ये जो वैट सर है इंग्लैंड के लिए, यूके के लिए, तो टोटल प्रोडक्ट की जो प्राइस है फॉर एग्जांपल वो सेल हो रही है $12 की या $14 की, तो उसके ऊपर वैट वही $12 के ऊपर होगा या आपका जो उसमें से प्रॉफिट निकलेगा जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 20% होगा? ये मेरे ख्याल से जो है वो वैट होता है आपका ना सेलिंग प्राइस के ऊपर होता है, बट बिकॉज ऑल्दो क्योंकि मैंने जो है वो यूके के अंदर कभी कोई सेल नहीं की, सही है, मैंने यूके में कोई लॉन्च नहीं की, मैंने सारी यूएस के अंदर लॉन्चेस कर रखी हुई हैं, तो मुझे